गुड मॉर्निंग, ओम शांति और नमस्कार सभी को। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। जी नमस्कार। आज के TPEA एंड FCRS का जो वन डे नेशनल ब्रेनस्टॉर्मिंग वेबिनार है, टीचर एजुकेशन बिफोर NCTE एंड आफ्टर इन इंडिया, उसके पैनलिस्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का मैं स्वागत करना चाहती हूँ FCRS टीम की तरफ से, क्योंकि आज हम टीचर एजुकेशन पे बात करने वाले हैं। एक बहुत ही सुंदर कोट याद आता है, अ टीचर इज अ कंपास दैट एक्टिवेट्स द मैग्नेट्स ऑफ क्यूरियोसिटी, नॉलेज एंड विजडम। टीचर के बिना मैं समझती हूँ कि चाहे बचपन से छोटे बच्चे को लेकर के, पहले सबसे पहले माँ बाप उसके टीचर बनते हैं और फिर वो बड़ा जैसे ही होता है और अध्यापक स्कूल जाता है तो उसे अध्यापक मिलते हैं, फिर कॉलेज और यूनिवर्सिटी। और देखा जाए तो हम सारी उम्र ही एक लर्नर की तरह रहे तो हमें कोई ना कोई टीचर तो मिलते ही रहते हैं। लेकिन जो पहला अध्यापक होता है और जो यूनिवर्सिटी से निकलने पर आखिरी अध्यापक होता है, ये दोनों का बहुत अहम रोल, बहुत ही अहम भूमिका वो एक बच्चे को ग्रोथ और डेवलपमेंट में निभाते हैं। तो आज हमारे साथ जो एमिनेंट स्पीकर जुड़े हुए हैं, एनके अंबाश जी, प्रोफेसर एनवी सिंह जी, टीपीएस चौहान जी और सुषमा पांडे जी, आप भी कुछ ऐसे ही बहुत ही अलग उभरे हुए और एम्पावर्ड पर्सनैलिटीज हैं हमारे बीच, जिन्होंने समाज को बहुत कुछ दिया है। और आज हम आपसे रूबरू हो रहे हैं और आपको सुनने का मौका मिलेगा। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है और मैं इनवाइट करना चाहूंगी आदरणीय डीपी सिंह जी से, डीपी सिंह भाई जी से, कि आप प्लीज आए और हमारे पैनलिस्ट और अटेंडीज का प्लीज वेलकम करें। डीपी सिंह जी, जी नमस्कार। आप सभी का फेडरेशन ऑफ कम्युनिटी रेडियो स्टेशन टीचर एंड टीचर एजुकेटर प्रिंसिपल्स एसोसिएशन की ओर से आज की इस विशेष वेबिनार में आपका स्वागत है। क्योंकि शिक्षा किसी भी देश समाज के निर्माण का आधार होती है। हवा और भोजन के बाद भी अगर किसी चीज की जरूरत है तो वो आदमी को शिक्षा की जरूरत है। अच्छी शिक्षा से ही अच्छे नागरिक बनते हैं। और भारत में शिक्षा किस प्रकार की होगी इसका ढांचा बहुत कुछ निर्भर करता है। हमारी एनसीटी बनने के बाद में एक इस प्रकार की गवर्निंग बॉडी है जो पूरे इस ढांचे को संभालती है। उससे पहले की क्या स्थिति थी और उसके आने के बाद में किस प्रकार के परिवर्तन हुए। एनसीटी के गठन के समय जो उसके मुख्य मुद्दे रखे गए थे, एनसीटी उनको कहाँ तक पूरा करने में सफल हुई और कौन कौन से ऐसे चैलेंज हैं जो अभी उनके सामने खड़े हैं जिनको एनसीटी अभी भी पूरा करने की ओर आगे बढ़ रही है, अभी उन तक पहुंच नहीं पाई है। इन्हीं बहुत सारे विषयों पर चर्चा करने के लिए और उन पर बातचीत करने के लिए चर्चा करने के लिए जो आज हमारे साथ विद्वत जन जुड़े हैं, मैं सभी का हृदय से स्वागत करता हूं। साथ भारत की शिक्षा को बहुत कुछ आकार देने वाले जो मनीषी आज हमारे साथ जुड़े हैं, उनमें प्रोफेसर एनके अम्बस, प्रोफेसर एसबी सिंह साहब, प्रोफेसर सीपीएस चौहान साहब, प्रोफेसर पांडे, आपका बहुत ही एक लंबे समय से अध्यापक शिक्षा से जुड़ाव रहा है और भारत में अध्यापक शिक्षा का जो स्वरूप है उसमें बहुत बड़ा आपका योगदान रहा है। मैं आपका हृदय से स्वागत करता हूँ और बहुत अधिक देर तक हमारे जो अटेंडेज जो इस कार्यक्रम में आपको सुनने के लिए उपस्थित हुए उनका भी स्वागत करते हुए
मैं आग्रह करता हूं बहन करमजीत से कि प्लीज आप ये आमंत्रित करें। हृदय से खूब खूब आपका स्वागत। जी बहुत बहुत शुक्रिया डीपी सिंह जी, आप इस आज के वेबिनार के बैकबोन हैं, आपने सबका वेलकम किया, आपका बहुत बहुत थैंक यू। कहते हैं शिक्षक के पास ही वो कला है जो मिट्टी को सोने में बदल सकती है, और आज हमारे साथ भी ऐसे शिक्षक, ऐसे महान विभूतियां जुड़ी हुई हैं जिन्होंने ना जाने कितने सोने और हीरे मोतियों को तैयार किया होगा अपने जीवन में। तो मैं सर्वप्रथम निवेदन करना चाहूंगी और आमंत्रित करना चाहती हूँ प्रोफेसर एनके अंबाश जी को, जो कि फॉर्मर चेयरमैन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नोएडा से आप हमारे साथ जुड़े हैं। प्रोफेसर एनके अंबाश जी, मैं आपसे धन्यवाद। रिक्वेस्ट, जी वेलकम भाई जी, एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे इन दिस वेबिनार। मैं धन्यवाद, आपने मुझे बुलाया। मैं जी शुरू करना चाहूंगा एक इन्वोकेशन से। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर् देवो महेश्वर गुरुर् साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। टीचर एजुकेशन एक ऐसी विधा है जो गुरु को का निर्माण कर रही है, और गुरु कैसा है होना चाहिए वो है ब्रह्मा भी है विष्णु भी है और महेश भी है। अगर इस तुला को लेकर के इस टच स्टोन या इसको जो आप कहते हैं उस पर घिसे तो आज का टीचर एजुकेशन बिल्कुल ही टोटल फेलियर नजर आता है। मगर गुरु की परिभाषा भी बदलती रही है कि पहले था गुरु ब्रह्मा विष्णु महेश था, फिर हुआ गुरु गोविंद को दो खड़े काके लागू पाए, तो वो डिटोरिएशन रहा। और आज के दिन में तो गुरु तो बहुत ही डेरोगेटरी टर्म है, बड़ा गुरु आदमी है, दैट इज चीट। खैर एनीवे, गुरु को अगर उसके उस शिखर पर लाना है जहां वह ब्रह्मा विष्णु महेश का स्वरूप है, तो फिर टीचर एजुकेशन में बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। हालांकि ये नहीं कहा जा सकता कुछ भी नहीं किया गया, मगर चूंकि विषय ऐसा है तो इसमें थोड़ा एनेक्डोटल होना चाहूंगा इसमें। और मैं जानना चाहूंगा कि जब एनसीईआरटी में डिपार्टमेंट ऑफ टीचर एजुकेशन होता था और एनसीटीई की के बारे में सोचा भी नहीं जा रहा था, तो डिपार्टमेंट ऑफ टीचर एजुकेशन जब एनसीईआरटी में बना तो उसका मेजर मैंडेट ये था कि टीचर एजुकेशन की क्वालिटी को सुधारा जाए। और उस समय के जो बड़े बड़े स्टारवर्ट थे जैसे प्रोफेसर पीरेस, प्रोफेसर मेनन, ये सीआईई के होते थे। सीआईई को एनसीईआरटी में ले आया गया इसलिए कि इसका सीआईई एक लोकल स्पॉट ऑफ एक्सीलेंस न रह जाए बल्कि वो परमिएट करे सारे देश में। तो एनसीईआरटी के माध्यम से सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का हिस्सा था उसको एनसीईआरटी के परव्यू में लाया गया। इस दौरान बड़े बड़े स्टालवर्ट्स हुए, एच बी मजूमदार का नाम ले सकते हैं, आर जी मिश्रा का नाम ले सकते हैं, डी एस रावत का नाम ले सकते हैं, एस एन मुखर्जी का नाम ले सकते हैं, आर एस दवे का नाम ले सकते हैं, एम एन बुच का नाम ले सकते हैं, आर पी सिंह का नाम ले सकते हैं। इन लोगों ने आर सी दास हुए और प्रोफेसर कानूनगो हुए, ये लोग सारे टीचर एजुकेशन के बड़े स्तंभ हुआ करते थे अपने टाइम में। ये लोग स्तंभ हुआ करते थे जिनके चारों तरफ एक कोटरी बनती थी, एक ग्रुप बनता था जो उनके विचारों को लेकर आगे बढ़ा करता था। टीचर एजुकेशन के इम्प्रूवमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से एक विधा एक सवाल ये भी आया कि क्या टीचर एजुकेशन 1 साल का काफी है या इसको और लंबा अरसा लगाना चाहिए इसमें। अगर उसमें सचमुच गुरु की क्षमता लानी है तो इट हैज टू बी मोर इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव बोथ। तो इसी संकल्पना के आधार पर
रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन की स्थापना हुई, जो बाद में आप आरआईए के नाम से जाने जाते हैं। तो इसमें इंटीग्रेटेड कोर्स, इस कंटेंट और पेडागॉजी, कंटेंट और मेथड दोनों चीजें एक साथ इंटीग्रेट करके लाया गया। और ये रीजनल कॉलेजेस अपने आप में थ्रू द पैसेज ऑफ टाइम ये ऐसे रूप में उभर के आए जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, और जैसे आइलैंडिक कहते हैं कि जगह जगह पर इनके प्रोडक्ट्स ने अपनी वर्थ को देश में को जागृत किया कि इसके जो प्रोडक्ट थे वो हाथों हाथ लिए जाते थे, अच्छे इंस्टीट्यूशंस में जाते थे, और इनका एक जैसे ब्रांड वैल्यू आईआईटी का होता है वैसे रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन का बना। मगर एक बात और भी थी कि उस वक्त इतने बीएड कॉलेज और इतने तरह की यूनिवर्सिटीज और खास करके करेस्पॉन्डेंस कोर्स बीएड, करेस्पॉन्डेंस कोर्स वाज नॉट डिस्टेंस एजुकेशन। मैं इस बात को बहुत क्लियर करना चाहता हूं कि डिस्टेंस एजुकेशन और करेस्पॉन्डेंस कोर्स में बहुत अंतर है। करेस्पॉन्डेंस कोर्स एक उसका इंफिनिटेसिमली स्मॉल पार्ट ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन है। तो बीएड जब करेस्पॉन्डेंस कोर्स से होने लगा, और पर्टिकुलरली अन्नामलाई यूनिवर्सिटी काफी उस वक्त चर्चा में रही, हेलो। आवाज नहीं आ रही है आपकी, आवाज आ रही है? उनको नहीं सुन पा रहे, हम भी नहीं सुन पा रहे। हाँ हाँ मेरी आवाज आ रही है? आपकी आवाज आ रही है। ओके ओके, उनकी आवाज नहीं आ रही है। मेरी आ रही है? हाँ आपकी आ रही है। अच्छा। नहीं, अब आई आवाज, अब आई आवाज, अब आ रही है। तो उस समय जयस राजपूत एक कमरे से और एक चपरासी से लेकर के
उन्होंने एनसीटीई की धार की दीव रखी और इसमें बहुत काम किया उन्होंने। इसमें दो मुख्य बातें हैं, एक तो इनिशियल रेजिस्टेंस टू चेंज, ये हर को जब भी कोई नई विधा आती है पहले आता है स्टेट ऑफ रिजेक्शन, जब आता है स्टेज ऑफ कॉम्प्रोमाइज और तीसरा आता है स्टेज ऑफ एक्सेप्टेंस। रिजेक्शन में इतना बड़ा मूवमेंट चला कि ये लोगों की मीटिंग हुई और सारे वाइस चांसलर बहुत जिससे कहते हैं कि इनके ऊपर टूट पड़े एक तरह से कि ये मेरा मेरी यूनिवर्सिटी का अधिकार है एनसीटी की क्या और इसमें उस वक्त एक सेंटेंस में राष्ट्रपति जी ने जवाब दिया कि आप सुप्रीम कोर्ट जाएं या कहीं जाएं, एनसीटीई एक्ट हैज सुपरसीड्स एनी स्टेट एक्ट बिकॉज़ इट इज ए सेंट्रल लेजिस्लेशन कंकरेंट लिस्ट में है। और इसके बाद उनकी एक बात खत्म हो गई कि एनसीटीई का लेजिस्लेशन सुपरसीड करता है। तो ये तो हुई इसकी, मैं अब उसके दूसरे पक्ष पर आना चाहता हूं। इसका जो आई वुड से सॉफ्टवेयर पर आना चाहूंगा, एनसीटी एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है। मैं ये दिखाना चाहता हूं, मैंने एक छोटा सा चार्ट बनाया है, शायद आप लोगों को नजर आ जाए। इसके दो मेजर रेगुलेटरी बॉडी में दो हिस्से होते हैं रेगुलेट करने के लिए, एक तो एकेडमिक कंपोनेंट और दूसरा एडमिनिस्ट्रेटिव कंपोनेंट। एकेडमिक कंपोनेंट में जो सॉफ्टवेयर्स आते हैं वो क्वालिटी इश्यूज हैं, जिसमें कंटेंट एंड ट्रांजैक्शनल प्रोसेसेस, क्या कंटेंट जाएगा और क्या ट्रांजैक्शनल प्रोसेसेस होंगे। और एडमिनिस्ट्रेटिव साइड में एक्रेडिटेशन क्या होगा, डिलीवरी मोड क्या होगा, मॉनिटरिंग क्या होगा, और इन दोनों प्रोसेसेस को मिला करके इवेल्युएट करने की इवेल्युएट किया जाएगा। ये एक आई वुड से कि पर्ट चार्ट है, जिसको कि अब देखना पड़ेगा लोगों को। इसमें दो बातें हैं, एक तो ये है कि एकेडमिक पक्ष क्या कंटेंट होगा, क्या प्रोसेस होगा, एक साल का होगा, दो साल का होगा, चार साल का होगा, इंटीग्रेटेड होगा, ये सारी चीजें इस पर डिस्कशन और इस पर एक डिसीशन लिया जाता है। जो रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन बने थे, जो आरआईई हैं, वो चार साल के कॉन्सेप्ट बने थे, जिसमें कंटेंट भी जाता था और सब्जेक्ट मैटर भी जाता, प्रोसेसेस भी जाता था और कंटेंट भी जाता था, क्या कंटेंट होगा और कैसे डिलीवर किया जाएगा। ये विधा इसकी सफलता पर कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है, लिहाजा अब जो आकर के आया है इंटीग्रेटेड फोर ईयर बीएड कोर्स, ये उसी पर लौट के आ रहे हैं हम। इसमें जो रॉट आया है, जो इसके अंदर बदनामी आई है एनसीटी की, वो डिलीवरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एडमिनिस्ट्रेशन वाले हिस्से पर ज्यादा आई है। मैं ज्यादा शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ जानबूझ करके, मैं ये नहीं कहता कि एकेडमिक पक्ष एकदम अनक्रिटिसाइज्ड रहा, वो भी क्रिटिकल इवैल्यूएशन में होता रहा उसका, मगर एडमिनिस्ट्रेटिव पक्ष पर सबसे बड़ी बात हो गई कि लोग हंसी हंसी में कहते हैं, मैं भी उसको हंसी में ही ले रहा हूँ, लिफाफा कल्चर चल गया कि सब लोग जानते हैं लिफाफा कल्चर का क्या है,
मैं एक छोटी सी अपनी मैं एक जगह इंस्पेक्शन में गया तो वहां बड़े नए नए नया कमरा नए लेबल नए रिएजेंट और नए फर्नीचर सारी सब चीजें रखी हुई थी और 10-12 टीचर्स थे। एक टीचर से मैंने कहा मैंने तो आपको कहीं एक्स जगह पे देखा है, तो कहने लगे कि हाँ मैं वहां भी पढ़ाता हूँ यहाँ भी पढ़ाता हूँ। तो बाद में पता लगा इनफॉर्मली कि वो कहीं नहीं पढ़ाते हैं, उनको दोनों जगह से 10-10 हजार रुपए मिलते हैं, जब कोई इंस्पेक्शन आता है तो जहां आता है वहां चले जाते हैं। तो इस तरह का रॉट एडमिनिस्ट्रेशन में, मैं किसी टीचर को नहीं ब्लेम कर रहा हूँ, इस तरह का खाली टीचर एजुकेशन में टेक्निकल एजुकेशन में भी हुआ। मैं AICTE रिव्यू कमेटी का रिपोर्टियर था, मैंने उसके हर कुछ पार्टिसिपेट किया हुआ, तो मैंने ये पाया कि जहां जहां भी इस तरह की संस्थाएं थी जो प्राइवेटली मैनेज थी, जहां मेजर मोटिव वो था इकोनॉमिक रिटर्न रादर देन डिलीवरी ऑफ द कंटेंट, वहां इस तरह का रॉट आया हुआ है। और इससे चाहे वो टेक्निकल एजुकेशन हो, मैनेजमेंट एजुकेशन हो, बीएड हो, ये सभी त्रस्त है इस चीजों से। इसको सुधारने के लिए इसकी डिलीवरी प्रोसेस को मॉनिटर करने की जरूरत, मॉनिटरिंग होने की जरूरत ये है। ये इसका वीक पक्ष रह गया। एक और वीक पक्ष हमारे विचार से जब रीजनल कमिटीज NCTE की बनी तो उन रीजनल कमिटीज में बिकॉज ऑफ वेरियस फैक्टर्स वहां पर जो है वो गड़बड़ी इन टर्म्स ऑफ रिकॉग्निशन, मैं ज्यादा उसको खुल के नहीं कहना चाहता, अकलमंद को इशारा काफी आप फिर समझ लेंगे, तो वहां पर क्या क्या चीजें हो रही थी। और NCTE की जो सेंट्रल बॉडी है वो अपीलेट अथॉरिटी थी, वहां अपील आती थी और वो भी उसमें क्वेश्चन मार्क है। तो जो एकेडमिक कंपोनेंट है उसमें एक कमी जो मुझे नजर आई है वो ये है कि हम बीएड में ये पढ़ाते हैं कि ये विषय आप बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे, पेडागॉजी पर जोर है, मगर हम पढ़ा किसको रहे हैं, वो एडल्ट है, वो मैच्योर्ड है, वो ग्रेजुएट है, तो उसको पढ़ाने के तरीके, वो बच्चों को पढ़ाने के तरीके जहां अथॉरिटी इज मेजर सोर्स ऑफ असर्शन, यहाँ पर एंड्रोलॉजिकल मेथड। अनफॉर्चुनेटली हमारे जितने बीएड कॉलेज हैं या हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है उनको पता ही नहीं कि अडल्ट को किस तरह पढ़ाया जाता है, तो एंड्रोलॉजिकल मेथड उनके पास नहीं है। पार्टिसिपेटिव लर्निंग की जो बात कही जाती है वो एंड्रोलॉजिकल मेथड से ही निकल के आती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक तो एकेडमिक साइड जो सॉफ्टवेयर साइड ऑफ NCTE जिसको आप कहते हैं कि एकेडमिक कंट्रोल एकेडमिक कंटेंट, उसमें कहीं ना कहीं हाउ डू वी लर्न एज ए पार्टिसिपेंट एज ए हाउ वी लर्न टुगेदर, इस पर एक जोर होना चाहिए जो कि बीएड के या एमएड के स्टूडेंट्स के ट्रांजैक्शनल प्रोसेस में इस्तेमाल करना पड़ेगा करना चाहिए। और दूसरा यह है कि बच्चों के साथ कैसे, बच्चों में तो अथॉरिटी थोड़ी होती बाय वे एज डिफरेंस, उसी की वजह से बच्चे आपकी अथॉरिटी मान लेते हैं बिकॉज यू आर एक्सपीरियंस्ड। तो ये दो बातें हैं जो मैं इसमें कहना चाहता था। और मैं आपसे ये जरूर कहना चाहूंगा कि देयर इज स्टिल माइल्स टू गो बिफोर यू स्लीप, आपको NCTE के लिए बहुत ही व्यापक रूप से एक और जो अभी रीसेंट डीजेनरेशन हुआ है वो ये हुआ है कि NCTE का हेड जो है नॉन एकेडमिक पर्सन, एक पर्सन हुआ तहसीलदार और हुआ कलेक्टर कलेक्टिंग रेवेन्यू बिकम सडनली चीफ ऑफ NCTE, तो इस बंदे को यही नहीं मालूम कि एंड्रोलॉजी क्या होती है पेडागॉजी क्या होती है, इसमें तो एकेडमिक पक्ष पर उसका जोर नहीं रहता है।
नेचुरली नहीं रहता, बिकॉज उससे उसका कोई वास्ता नहीं रहता सिवाय इसके कि वो खुद पढ़ने के प्रोसेस में। आईएएस को तो नहीं बिठा देते हैं जो कि डॉन मेडिकल आदमी हो। तो ऐसे में मेरा ये सोचना है कि एक पॉलिसी लेवल पर ये डिसीजन होना बहुत जरूरी है कि दिस इज नॉट ए प्लेस फॉर जनरलिस्ट, दिस इज ए प्लेस फॉर स्पेशलिस्ट। तो मैं इसी के साथ खत्म करना चाहूंगा और आप इमर्जिंग, एक लास्ट बात कि इमर्जिंग सिचुएशन में जबकि कोविड के वजह से कॉन्टैक्ट प्रोसेस, कॉन्टैक्ट सिचुएशंस कम होते जा रहे हैं, तो हमें नॉन कॉन्टैक्ट प्रोग्राम्स पर्टिकुलरली वेबएक्स जैसे अभी आप कर रहे हैं, सेमिनार कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, इस तरह की विधाओं को पर ज्यादा जोर देना होगा और एनसीटी को भी इसमें काम करने की आवश्यकता है कि किस प्रकार डिलीवरी ऑफ लेक्चर्स, डिलीवरी ऑफ प्रैक्टिकल्स, डिलीवरी ऑफ प्रोग्राम्स नॉन कॉन्टैक्ट सिचुएशन में किस प्रकार किए जाए। और जो टीचर है वो टीचर्स क्लासरूम में पढ़ाने के अलावा कैसे इक्विप किया जाए कि नॉन क्लासरूम सिचुएशन में वो कैसे पढ़ाए, हैंडलिंग ऑफ द गैजेट्स, द टेक्नोलॉजी, the distance education method, etc., they have to come to the center of entire effort. So we have to revisit the processes jo through NCT ki delivery ke processes mein kya changes aaye. Classroom nahi hai, teacher samne nahi hai, bachcha samne nahi hai, to kaise usko deliver karein, किस तरह से अपने मेथडोलॉजी में, अपने पेडागॉजी में किस तरह का चेंज ले आए, ये भी एक इमर्जिंग नीड है, इमर्जिंग दिशा है जिसमें एनसीटीई को काम करना चाहिए। धन्यवाद। धन्यवाद सर, आपने बहुत ही बढ़िया और सही जानकारी जो तटस्थ भाव से एनसीटी के लिए दी। निश्चित रूप से बहुत सारे और कदम हैं जो हमें इसके लिए आगे बढ़ाने होंगे। मेरा एक इस संबंध में जिज्ञासा जो हमारे अटेंडेंस की ओर से, पार्टिसिपेशन करने वालों की ओर से आई है कि एनसीटी का रिसर्च के लिए भी कुछ जिम्मेदारी दी थी कि कुछ टीचिंग मॉड्यूल्स क्रिएट करेगी एनसीटी। मुझे नहीं लगता कि सर इसमें भी कहीं एनसीटी ने कोई बहुत ज्यादा आगे बढ़कर करा हो। इस संबंध में हम आपसे जानना चाह रहे थे रिसर्च के फील्ड में एनसीटी का क्या रोल रहा है। देखिए, मैं इसमें एक बात लाना चाहूंगा कि थोड़ा सा विषयांतर होगा मगर कोई पैरेललिज्म है इसलिए उसको लाना चाहता हूँ। एनसीईआरटी में भी इसी प्रकार की समस्या थी कि रिसर्च कैसे प्रमोट हो। उन्होंने एक एजुकेशनल रिसर्च इनोवेशन कमेटी बनाई और उसमें रिसर्च प्रपोजल्स मांगे, बड़े बड़े देश के शिक्षाविदों ने उसकी सहायता से बहुत अच्छे अच्छे रिसर्च किए। मैं उसका कभी मेंबर सेक्रेटरी होता था इसलिए मुझे उसका ज्यादा मालूम है। एनसीटीई में रिसर्च ग्रांट्स जो है और सेमिनार ग्रांट्स ये तो हैं, मगर वंस अगेन उसका क्वालिटी कंट्रोल मैकेनिज्म कोई ऐसा नहीं है। तो ये जो हो जाता है कि ज्यादातर सेमिनार ग्रांट हो गई, सेमिनार हुआ, उसका रिपोर्ट आ गया और उसके बाद उसका कोई फॉलो अप नहीं हुआ। आपने बहुत सही बात कही कि एनसीटी में रिसर्च विंग बहुत जबरदस्त होना चाहिए जो इंडिपेंडेंटली अपने फंक्शनरीज से और विद यूनिवर्सिटीज, इन कोलैबोरेशन विद यूनिवर्सिटीज,
खुद रिसर्च करे और रिसर्च करवाए और उस रिसर्च की फाइंडिंग्स को कल आउट कर करके पॉलिसी मॉडिफिकेशन के लिए फीड करे, तो तब तो बात ये जा करके सही दिशा में जा पाएगी। वरना आपने सेमिनार के लिए ग्रांट दे दिया, सेमिनार हो गई, सेमिनार के पार्टिसिपेट आ गए, उसकी रिपोर्ट आ गई, रिकमेंडेशन आ गई, आपने उसको रख दिया, पेमेंट हो गया और उसके बाद उसका कोई फॉलो अप नहीं हुआ, तो फॉलो अप करेगा कौन? फॉलो अप करने के लिए एक डेडिकेटेड टीम एनसीटीई में होनी चाहिए, एक रिसर्च डिपार्टमेंट होना चाहिए जो खुद भी रिसर्च करे और रिसर्च कराए और उसकी फाइंडिंग्स को लेकर के पॉलिसी एनसीटी की जो कमेटी है उस कमेटी में देख ये रिसर्च फाइंडिंग आई है, इसके हिसाब से आप करिकुलम में मॉडिफिकेशन कीजिए, इसके हिसाब से आप ट्रांजैक्शनल प्रोसेसेस में मॉडिफिकेशन कीजिए, इसके हिसाब से आप इम्प्लीमेंटेशन में मॉडिफिकेशन कीजिए। मैं नहीं समझता कि इतना सारा रॉट जो है एनसीटी में आया, सारी रीजनल कमेटियां उनके ऊपर इंक्वायरी बैठी, पुलिस आई, कमिश्नर बैठे, सीआईडी लगी, ये लगी, क्यों हुआ ये? क्यों नहीं इस पर एक रिसर्च हुआ कि क्या वजह है, क्या वजह है कि जिसकी वजह से आता है, और वो रिसर्च फीडबैक एनसीटी काउंसिल में क्यों नहीं आया और उसके हिसाब से प्रोसेस मॉडिफाई क्यों नहीं हुआ? तो ये एक आपने बहुत अच्छा प्रश्न उठाया कि रिसर्च के ऊपर, रिसर्च बोथ इन द कंटेंट एंड एज वेल एज इन द प्रोसेसेस, इन दोनों पर रिसर्च होना चाहिए। और ये जैसे कहते हैं रिसर्च किया और खुद मैं एक कमीज पहने हुए हूँ, उसकी एक बटन टूटी हुई है, तो मेरे पास बटन टूटी है तो मैं या तो बटन लगा लूँ या दूसरी कमीज पहन लूँ, इसी तरह से रिसर्च होता है कि वो ये देखता है कि ये जो आप सुविधा लगा रहे हैं इसमें क्या क्या लागू होना चाहिए, क्या इसमें मॉडिफिकेशन है, कहाँ पर रिपेयर की जरूरत है, कहाँ पर इसके रिप्लेसमेंट की जरूरत है, राइट? डेफिनेटली सर, रिसर्च और एक जर्नल कभी एनसीटी का पब्लिश हुआ करता था, आजकल वो जर्नल भी कहीं देखने को शायद ही मिलता है कि वो जर्नल भी कहाँ चला गया। हाँ, कि जब नेता बदलता है तो उसके इम्फेसिस भी बदलते हैं, एक जर्नल निकला करता था टीचर एजुकेटर्स वगैरह, मैं उसका बोर्ड ऑफ एडिटर्स में बैठा कुछ दिन तक, तो वो बंद हो गया। अब बंद क्यों हो गया? कि सत्ता बदल गई, सत्ता बदल गई तो उसकी प्रायोरिटीज बदल गई, तो इस तरह से इसी यही मेजर कारण मैं समझता हूँ कि मेजर कारण इसका ये है कि एक बैलेंस्ड अप्रोच टुवर्ड्स फंक्शनिंग ऑफ एनसीटी नहीं रहा है, जिसमें सब पर हर एस्पेक्ट पर जोर देने की जरूरत है थी, वो अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाई। कुछ चीज जैसे जैसे आदमी बदलता गया वैसे वैसे प्रायोरिटीज बदलती गई, तो एक एकांगी हो गया ये। अब सारा इसी पर है कि किस प्रकार एक्रेडिटेशन पर को सुधारा जाए, जबकि जोर होना चाहिए कंटेंट एंड प्रोसेसेस पर भी होना चाहिए। यस सर, डेफिनेटली सिर्फ जो कॉलेजेस जितनी हिंदुस्तान में थी उन सबको एक फाइल में उनके नाम तो सब के लिख लिए, एनसीटी ने ये काम करा, पहले एक फाइल में नाम नहीं थे, अलग अलग जगह नाम थे। प्रशासनिक और बाबू वाला जो काम था वो एनसीटी ने बड़ी अच्छे तरीके से करा, पर अकेडमिशियन वाले काम में कहीं ना कहीं बैक रही एनसीटी। वो वहीं जाता है ना कि अगर आपका हेड गए वो बाबू है तो बाबू वाले का सारे काम कराएगा जो कि वो जानता है, अगर एकेडमिक है तो एकेडमिक वाला काम करेगा, बाबूगिरी उसको नहीं आएगी। बैलेंस होना चाहिए एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेटर, मैं इस बात पर जोर दे रहा हूँ, एजुकेशनिस्ट भी नहीं चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटर भी नहीं चाहिए, उनको एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेटर चाहिए। अब आप बताइए, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटर है, एडमिनिस्ट्रेशन है, नीपा आज से नहीं बहुत दिन से है, और इसका कोई प्रोडक्ट क्यों नहीं निकल के आया अब तक ऐसे 30 साल में 35 साल में, कि जो इस तरह के कि उससे जिसको कहते हैं कैपेसिटी से कि वो आकर के एनसीटी को संभाल ले। तो ये जो है विसंगतियां हैं, मैं ये नहीं कहता कि विसंगतियां नहीं है, विसंगतियां हैं, मुझे जो आएगा मैं उसी पर जोर दूंगा,
मैं एलिमेंट्री एजुकेशन नॉन फॉर्मल एजुकेशन का आदमी हूँ, आप हमको बीएड के लिए कहें कि आप बीएड का प्रोग्राम बना दीजिए तो मुझे दिक्कत होगी, ये दूसरी बात है कि अब मैं 70 साल 80 साल का हो गया, जिसमें से 40-45 साल मैंने एजुकेशन में लगा दिए, आप लोगों से सीख लिया, दीपी सिंह से बहुत कुछ सीखा मैंने, तो ये सब चीजें जो आपसे सीखते हैं उसी को दूसरी तरह से बताते हैं। मगर ये जो बात है कि एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेटर, एक चीज समझने की है, एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेटर एजुकेशनिस्ट और एडमिनिस्ट्रेटर से भिन्न है। यस सर, यस, थैंक यू सर, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। मैं हमारे अगले ऑनरेबल पैनलिस्ट प्रोफेसर एस बी सिंह साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज हमें गाइड करें कि एनसीटी से पहले हमारे अध्यापक शिक्षा किस रूप में थी और एनसीटी ने आने के बाद में उसका किस प्रकार का निखार सामने प्रस्तुत करा। मैं प्रोफेसर एस बी सिंह साहब देना चाहता हूं कि मुझे आपने बोलने का मौका दिया और विद्वानों को सुनने का भी मौका दिया। मैं सबसे पहले अम्बस जी की एक बात से सहमत हूं कि एनसीटी जब बनी उसके बाद जिन लोगों के अधिकार में थी, मैं उनकी योग्यता पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगा रहा हूं, लेकिन इसरो के चीफ को आप जल सेना का अध्यक्ष तो नहीं बना सकते, एक आईएएस को या एक अदरवाइज क्वालिफाइड आदमी को टीचर एजुकेशन में वो कितना काम कर सकेगा, इसकी लिमिटेशन है। अम्बस जी ने इशारा किया है क्योंकि प्रबुद्ध लोग साफ साफ बात नहीं कहते हैं, लेकिन ये काफ़ी है कि सब कुछ ठीक नहीं था प्रारंभ। क्वालिटी एजुकेशन टीचर एजुकेशन की सुधारने के लिए एनसीटी का जन्म हुआ था, लेकिन जो कुछ हुआ मैं आपको थोड़े संक्षेप में बताता हूँ। जिस समय एनसीटी बनी 1966-1967 के करीब, राजस्थान में उस समय 15 या 20 कॉलेजेस ऑफ एजुकेशन से ज़्यादा नहीं थे, 15 या 20। बनने के बाद 57 में जब ये कार्य क्षेत्र में कार्य करने लगी, 2000 में राजस्थान प्रांत में 500 से ज़्यादा कॉलेज खुल गए, कहाँ 15-20, कहाँ 500। क्या लालच था लोगों को बीएड खोलने का? नियम बने, जगह नियत हुई, उसमें पैसा चाहिए था, जिनके पास पैसा था वो कॉलेज खोलने के लिए आगे आ गए। वो शिक्षा में पारंगत थे या नहीं, इच्छुक थे या नहीं, लेकिन फायदेमंद जरूर था उनके लिए शिक्षक शिक्षा खोलना, कॉलेज खोलना। इसलिए 3 वर्ष के अंदर 20-25 गुना टीचर्स कॉलेज की संख्या खुल गई, इतने ज़्यादा टीचर्स प्रोड्यूस होने लगे कि उनको नौकरी मिलना भी मुश्किल हो गया। मैन पावर प्लानिंग तो अलग धरी रह गई, शिक्षा के बल पर लोग कॉलेज खोलने लगे, अनलिमिटेड नंबर ऑफ कॉलेजेस जहां जरूरत भी नहीं। फिर जब कॉलेजेस की संख्या बढ़ गई तो अनमैनेजेबल चीज़ें हो गई, ना देख रेख हो पाई, ना मॉनिटरिंग हो पाई, ना नियम लागू हो पाए, और दांव पे चलने लगे, कोर्ट में केस जाने लगे, और अनफॉर्चुनेटली जो क्वालिटी एजुकेशन संभालने के लिए बात हो रही थी वो क्वालिटी एजुकेशन पूरी तरह से सुधर नहीं पाई। कुछ नियम लागू हुए ज़रूर है, लेकिन जो वांछित था वो शायद हम नहीं कर पाए, और उसका एक मुख्य कारण नंबर इतना ज़्यादा हो गया कि हम लोग उलझ गए। मैं उस समय एनसीटी का रीजनल कमेटी का मेंबर भी था, और तब तक था जब तक मैंने रिजाइन नहीं कर दिया।
मुझे लगा कि मेरा रहना यहाँ उपयोगी नहीं है और मैं उससे अलग होके आ गया। लेकिन काम किया एनसीटी ने, ये बात सही है। अब क्या क्या बदलाव हुए? पहला बदलाव ये कि पहले शिक्षक शिक्षा के कॉलेजेस बहुत कम होते थे, ज्यादातर ये डिपार्टमेंटल अफेयर था, हर स्टेट का डिपार्टमेंट वहाँ की ट्रेनिंग, बीटी हो, पीटीसी हो या और कोई हो, बीएड हो, बीटी हो, पहले बीटी और पीटीसी वगैरह होते थे, बीएड नहीं थे। ये तो रीजनल कॉलेज में जब बीएड खुला तब से बीएड को महत्व मिला। बीएड और बीटी में मूलभूत अंतर, एक टीचिंग है, एक एजुकेशन, और तीन शब्दों का अंतर मैं एक मिनट बताना चाहूँगा, ट्रेनिंग, टीचिंग और एजुकेशन। ट्रेनिंग में केवल स्किल ओरिएंटेड, आप हाथी को सर्कस में एक स्टूल पर खड़े करने के लिए ट्रेन तो कर सकते हैं, स्टूल पर खड़ा हो जाएगा हाथी का बच्चा, लेकिन क्या वो एजुकेट कर पाए आप? नहीं, क्योंकि वो स्किल वाला काम है। केवल टीचिंग में आप अपने विचार को दूसरों को समझाते हैं, पासिंग ऑन योर आइडिया टू समबडी एल्स, दैट इज टीचिंग। चाकू भी अपने साथियों को सिखाते हैं, गुरु भी अपने साथियों को सिखाते हैं, प्रबुद्ध जन भी अपने साथियों को सिखाते हैं। तो सिखाना अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाना होता है, विशेष तौर से ये इंफॉर्मेशन ओरिएंटेड है। एजुकेशन ऑलराउंड डेवलपमेंट है। अंग्रेजों के समय ये 3R था, रीडिंग, राइटिंग और अर्थमेटिक का, आज वो 4H है। यूनेस्को कहता है हेड, हार्ट, हैंड और हेल्थ की शिक्षा दो। अंग्रेज कहते थे क्लर्क बनाने वाली शिक्षा दो। उद्देश्य बदलते रहते हैं और वही जो सरकार चाहती है वो लागू। तो शिक्षा, शिक्षक शिक्षा में गुणवत्ता सुधारने के लिए एनसीटी का जन्म हुआ था, लेकिन वो पूरी तरह सुधार नहीं पाए। जहाँ तक रीजनल कॉलेज का काम है, मैंने रीजनल कॉलेज 1965 में ज्वाइन किया था एज लेक्चरर इन फिजिक्स, फिजिक्स पढ़ाने के लिए। उस समय ये जो RI-4 खोले गए थे, आपको ताज्जुब होगा जान के सभी लोगों को कि ये डिफेंस ऑफ डिफेंस एजुकेशन है, और यूएसए के डिफेंस एजुकेशन एक्ट के अंतर्गत ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी कोलंबस यूएसए की एक स्कीम थी, उसके द्वारा खोले गए थे। सारा धन ओहायो स्टेट से मिला या डिफेंस डिपार्टमेंट से मिला यूएस के, और वो कॉलेज उसको खोलने से पहले एक किताब बनाई गई थी जिसका नाम था प्लान एंड प्रोग्राम। रात लाल रंग की वो किताब थी, काफ़ी बड़ी, हम लोग उसको बाइबल कहते थे। जहाँ कहीं भी डिस्क्रिपेंसी होती थी हम उसको देखते थे। तो कितनी प्लानिंग के बाद, कितने खर्चे के बाद रीजनल कॉलेजेस की, इंटीग्रेटेड कॉलेजेस की फिलॉसफी बनी। 4 साल का कोर्स था जो ब्रॉड बेस था, बायोलॉजी वाले बच्चों को फिजिक्स पढ़नी पड़ती थी, फिजिक्स वाले बच्चों को बायोलॉजी भी पढ़नी पड़ती थी, हिस्ट्री ऑफ साइंस एजुकेशन एक अलग पेपर था, इमर्जिंग सोसाइटी अलग पेपर था। तो ये सब कुछ प्लानिंग ओहायो स्टेट ने किया था, और इसीलिए कुछ स्टेट्स ने हमारे बीएड के जो 4 ईयर का 4 ईयर का कोर्स था उसको स्पेशल स्टेटस दिया। कोई भी व्यक्ति बिना नौकरी के नहीं रहता था, उनको नौकरी मिलती थी क्योंकि उनकी उपयोगिता थी, क्वालिटी एजुकेशन थी। लेकिन आज उसी कॉलेज में बीएड 2 साल की हो गई है, 3-4 साल बाद अमेरिका से हमारा संबंध भी टूट गया, रीजनल कॉलेजेस को भारत सरकार ने संभाल लिया, और जब से संभाला
उसके बाद 4 ईयर कोर्स बंद हो गए, 3 साल बंद रहे, फिर दोबारा खुले, तो दुख की शुरुआत और कष्ट की शुरुआत तो शुरू से ही हो गई थी 1965-66 से ही है। लेकिन उसके बाद जब एनसीटी बनी तो एनसीटी का कार्य क्षेत्र पूरा भारत था, और ये पार्लियामेंट ने किस लिए बनाया उसकी भी मैं आपको हिस्ट्री बता दूं। दो लोग इसके लिए मैं समझता हूँ जिम्मेदार हैं, एक उत्तर प्रदेश का एक कॉलेज जिसमें 2 महीने में बीएड हो गई, प्रवेश और परीक्षा के बीच में 2 महीने का अंतर था, ये पार्लियामेंट में बहुत उछला कि ये कैसे टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज 2 महीने में परीक्षा करा दे पीटी की। और एक कॉलेज ऐसा था जहाँ समर कोर्स चलता था, 10,000 विद्यार्थी भर्ती हो गए, स्टाफ 5 से कम, 5 आदमी 10,000 समर कोर्स के विद्यार्थियों को कैसे संभालेगा, ये 2 उन दिनों चर्चा के विषय थे, जिसके बाद पार्लियामेंटेरियंस ने एमपी ने नोटिस लिया और एनसीटी बनाई पार्लियामेंट एक्ट। लेकिन एक्ट बनने से ही सब कुछ नहीं हो जाता, एक प्रांत ऐसा भी था, उसका नाम नहीं लेना चाहूंगा, एक प्रांत ऐसा था जो सन 98 तक बिना परमिशन के बीएड कॉलेज चलाता रहा और कहता रहा शान से कि नहीं हमें जरूरत ही नहीं है बीएड की, क्योंकि एजुकेशन कॉन्करेंट लिस्ट में थी और कॉन्करेंट लिस्ट में होने की वजह से स्टेट गवर्नमेंट ने जो चाहा वो किया, सेंट्रल गवर्नमेंट और पार्लियामेंट की बात नहीं मानी। बाद में वो तैयार हो गए कि हम एनसीटी के नियम मानेंगे, इंस्पेक्शन उनके 98 के बाद हुए और वो अब चल रहे हैं। अब देखा जाए तो एनसीटी से पहले और एनसीटी के बाद हम सोचते थे कि एनसीटी के बाद सब कुछ बहुत सुधर जाएगा, नियम बने, नियम अच्छे बने थे, कार्यान्वित होने में थोड़ी दिक्कत आई। अब मालिक भी कई थे, स्टाफ के लिए एनसीटी के अलग नियम थे जिसमें लेक्चरर के लिए पीएचडी जरूरी नहीं था, लेकिन साथ में ये भी लिखा रहता था कि यूजीसी के नियम भी स्टाफ रिक्रूटमेंट में माने जाएंगे और यूजीसी में लेक्चरर के लिए पीएचडी जरूरी है। कई दिनों तक ये लुका छिपी चलती रही कि पीएचडी न हो तो कैसे लेक्चरर बनाया जाए, पीजी का नियम का उल्लंघन होता है, लेकिन चलता रहा, सब चलता रहा। धीरे धीरे समर कोर्स तो खत्म कर दिए भारत सरकार ने, क्योंकि समर कोर्स जहां 5 आदमी 10,000 लोग चलाएंगे वो कैसे अलाउड हो, तो समर कोर्स खत्म हो गए, केवल रेगुलर स्टूडेंट्स रह गए, पीटी की जगह बीएड हो गया, पीटी की जगह डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन प्राइमरी एजुकेशन हो गए, तो डिग्री के नाम बदल गए, डिग्री के लिए आवश्यकताएं होंगे कि टीचर को ये आना चाहिए और छोटे छोटे उम्र के टीचर आने लगे। मुझे याद है कि जब मैंने बीएड किया था तो ऐसा कोई नहीं था जिसके बाल सफ़ेद न हो और टीचर एजुकेटर। पहली बार मैं जोधपुर आया और मुझे एक कॉलेज में इम्तहान लेना था, मुझे अंदर प्रवेश नहीं कर दिया चौकीदार ने, करने नहीं दिया, मूछों वाला चौकीदार था, बोला कि आज प्रिंसिपल, मैंने कहाँ जाना, मैंने कहा प्रिंसिपल साहब से मिलना है, कहले आज प्रिंसिपल किसी ने नहीं मिलेंगे, आज इम्तहान है। अब मैंने उससे ये तो नहीं कहा कि मैं परीक्षक हूँ, क्योंकि उस समय परीक्षक की कल्पना 24-25 साल के व्यक्ति की नहीं होती थी। इतने में मेरे एक समर कोर्स के स्टूडेंट आ गए, बोले सर आप यहाँ क्या कर रहे हैं, मैंने कहा मैं अंदर जाने की प्रतीक्षा कर रहा हूँ, मुझे वो ले गए। तो उस समय बुजुर्ग लोग टीचर एजुकेटर होते थे, क्योंकि अनुभव के बाद वो उस पद पर पहुँचते थे।
आप डायरेक्टली गुरुजी बन जाते हैं बीएड कॉलेज में। खैर इसमें कोई कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि योग्य व्यक्तियों को एज की जरूरत नहीं होती, और कभी कभी 40 साल का एक्सपीरियंस, 1 साल का एक्सपीरियंस मल्टीप्लाइड बाय 40 ये हो सकता है। एक्सपीरियंस तो 1 साल का ही रहे, 40 साल काम कर लिया टीचर एजुकेटर के रूप में, ये बात दूसरी। तो एक्सपीरियंस बहुत आवश्यक नहीं है, लेकिन शायद कुछ मानों में एज माने रखती है। तो अब टीचर एजुकेशन में जो चेंजेस हुए हैं उनमें एक तो ये है कि पहले चॉक बोर्ड होता था केवल लिखने के लिए, आज इंटरनेट है, सारा दुनिया भर का ज्ञान, मीडिया, मटेरियल्स इंटरनेट पे अवेलेबल है। बच्चा जो चाहे जब चाहे उसको सीख सकता है। ज्ञान के लिए गुरु की आवश्यकता नहीं है, मशीन से भी सीख सकते हैं, लेकिन ये बात दूसरी है कि मशीन कभी ह्यूमन बीइंग को, टीचर को रिप्लेस नहीं कर पाएगी, क्योंकि उसमें इमोशंस नहीं होते, वो एप्रिशिएट नहीं कर सकती, मोटिवेट नहीं कर सकती प्रॉपरली। तो टीचर की आवश्यकता तो हमेशा रही। शुरू में जब भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था और विश्व गुरु कहा जाता था, जब विदेश से लोग पढ़ने भारत में आते थे, तो शिक्षा कुछ व्यक्तियों को ही दी जाती थी, समाज के एक वर्ग को जो पैसे वाला होता था, जो चाहता था, उन्हीं के बच्चों को आश्रम में जाके पढ़ना पड़ता था, पढ़ाने कोई नहीं आता था, टीचर पढ़ाने के लिए ट्यूशन नहीं करते थे, घर पर नहीं जाते थे, नौकरी नहीं करते, उनको आदर से सब कुछ मिलता था अपने आश्रम में ही, और वो विद्यार्थियों को अपने बच्चों की तरह पढ़ाते थे। ये लगाव शायद अब संभव नहीं है, क्योंकि अब अगर हम किसी टीचर के रूप में किसी बच्चे को डांट दें तो सबसे पहले तो उसकी माँ ही लड़ने आ जाएगी, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे बच्चे को डांटने की, और पनिशमेंट तो अलाउड ही नहीं है। मैंने स्वयं रीजनल कॉलेज में ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ा है, मुझे जहाँ पेरेंट्स नहीं समझते थे कि उनका बच्चा डिसिप्लिन तोड़ रहा है और उसको रोकना आवश्यक है। तो अब जो शिक्षक शिक्षा का गुणवत्ता सुधारनी है, उसमें क्वालिटी सुधारनी है और ऑलराउंड डेवलपमेंट देखना है, टीचर को लर्निंग डेवलप करनी है। उसकी नई डेफिनेशन है टीचर नहीं बल्कि फैसिलिटेटर ऑफ लर्निंग, जिसमें वो बच्चे को मदद करेगा मटेरियल सॉर्ट आउट करने का और उसको अपने लिए उपयोगी बनाने का। पहले फीस बहुत कम लगती थी, अब फीस तो इतनी ज़्यादा हो गई है कि सबके बस की बात नहीं है। पहले 1 साल की बीएड थी, अब 2 साल की हो गई। जब 1 साल में ही लोग कॉलेज नहीं आते थे और हम उनको विवश नहीं कर पाए, तो आप 2 साल में कैसे कर पाएंगे। एक बार चौहान साहब ने, इन्हीं चौहान साहब ने जिनके दर्शन हम अब कर रहे हैं, हमें मथुरा बुला के सम्मानित किया। तब मैं एनसीटी का मेंबर था और शायद इतनी जल्दी उम्र में बन जाने पर इन्होंने मुझे प्रोत्साहन देने के लिए बुलाया था, लेकिन उसके बाद मुझे दिल्ली बुलाया गया और डांटा गया कि आप क्यों गए थे वहाँ मथुरा। मैंने कहा साहब मुझे बुलाया और मैं चला गया। खैर ये अनावश्यक बातें हैं जिनको मैं नहीं चाहता इसको आगे बढ़ाऊं, लेकिन ये रियलिटी है। उस वक्त सोच क्या थी, एक व्यक्ति का इतना महत्व था कि बाकी एक तरफ, एक व्यक्ति एक तरफ, उसका निर्णय सुप्रीम हो। खैर तो आजकल भी निर्णय के लिए हम सामूहिक निर्णय नहीं ले पाते, और जो डीपी सिंह जी ने प्रश्न उठाया है वो दूसरा प्रश्न बहुत अच्छा लगा। मैंने
कम से कम 3 एनसीटी चेयरमैनों को ये कहा कि जो फंड हमें रिफ्रेशर कोर्स ऑर्गेनाइज करने के लिए या समर इंस्टीट्यूट ऑर्गेनाइज करने के लिए यूजीसी लीज लेने पड़ते हैं, आप दीजिए, आप एकेडमिक लीडरशिप लीजिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली एनसीटी से हमें और चीज़ें तो मिली, नियम तो मिले, लेकिन गाइडेंस नहीं मिली। एकेडमिक लीडरशिप के लिए जो आप क्वालिटी एजुकेशन तब तक नहीं संभाल सकते जब तक आप सुपरवाइजर के रूप में एकेडमिक गाइडेंस न दें। एनसीटी ने हमें क्या गाइडेंस दी है अगर पूछा जाए तो शायद उनके पास कहने को कुछ नहीं हो। केवल नियम लागू करना, ये इससे स्थिति सुधरती नहीं है। समाज की सहमति, समाज का सहयोग और जो उस प्रोफेशन में काम करते हैं उनका हित साधना चाहिए और उनको उनसे मदद लेनी चाहिए। टीचर्स का इसमें से होना चाहिए। मैं मानता हूँ कि सब टीचर्स सभी आईएएस के बराबर नहीं होते, लेकिन उनके कुछ विचार होते हैं, उनको सुनिए और उनको कार्यान्वित करने की कोशिश कीजिए अगर वो लाभकारी है। नहीं है तो उनको कन्विंस करिए कि नहीं, ये नहीं हो सकता। तो जो संवाद टीचर्स के साथ होना चाहिए, जो एकेडमिक लीडरशिप एनसीटी की तरफ से होना चाहिए, वो कमी न रहे तो एनसीटी बहुत कुछ कर सके। और मैं अभी आशावान हूँ कि जैसे जैसे समाज का भ्रष्टाचार समाप्त होगा, लोग पढ़े लिखे होंगे, लोग आगे आएंगे और भ्रष्टाचार समाप्त होगा, स्थिति सुधरेगी। और इधर सुधरना आवश्यक भी है। बहुत सी चीज़ें और हैं कि अब पढ़ाने के तरीके बदल गए हैं, ड्यूरेशन बदल गई है, कंटेंट बदल गया है, पेडागॉजी बदल गई है, साइकोलॉजी बदल गई है। तो इतनी चीज़ें अवेलेबल हैं कि टीचर को प्रिपरेशन करने के लिए ज़्यादा समय चाहिए, ज़्यादा लगन चाहिए, ज़्यादा डेडिकेशन चाहिए। कॉम्पिटेंस और कमिटमेंट ये टीचर के लिए बहुत आवश्यक। एक टीचर अगर दो जगह काम करेगा, अभी तो आया था कि बिहार में एक टीचर महीने में 1 करोड़ कमा रहा है। आज के जमाने में 3 महीने पहले कई जगह उसका नाम है। हो सकता है कि वो ऑनलाइन पढ़ा रहा हो, क्या कर रहा है मुझे पता नहीं, लेकिन ये पता है कि करोड़ों रुपए कमाने के नए धंधे भी निकल आए। तो कैसी पीएचडी और रिसर्च कराई जाए टीचर्स कॉलेज में जो हमारे लिए उपयोगी, विद्यार्थियों के लिए उपयोगी हो, कैसे हम अपनी स्थिति सुधारें, कैसे समाज को सुधारें। समाज सुधारना भी टीचर्स का ही काम है, केवल पढ़ाई नहीं, समाज को सुधारना, उनको शिक्षा देना, उनको गाइड करना, ये भी टीचर्स का काम था पहले, जो शायद अब टीचर्स ने हाथ खींच लिया है। और खींच क्यों ना लें, उनसे जनगणना का काम कराया जाएगा, उनको इंजेक्शन लगाने और चेचक के टीके लगाने भेजा जाएगा, तो वो कहाँ से सब कुछ करेंगे। तो टीचर्स को जो समाज सुधारने का काम था, समाज के लिए ब्रिज बनता था स्कूल, वो अब नहीं है। स्कूल और शिक्षक शिक्षा ये दोनों भी इंटीमेटली जुड़े हैं। एक की स्थिति सुधारे बिना दूसरे को आप नहीं सुधार सकते। और नंबर हमने जैसे पहले कहा इतना ज्यादा हो गया है कि हमारे लिए ये समस्या है कि दोनों को कैसे सुधार। लेकिन मैं आशावान हूँ, मैं समझता हूँ मेरा समय भी समाप्त होने वाला है और काफी प्रबुद्ध लोग बोलने के लिए अभी बेकरार बैठे हैं, तो मैं डीपी सिंह जी आपसे क्षमा चाहता हूँ। बोल तो बहुत देर सकता था, 40 मिनट तो वैसे भी टीचर बोलता ही है, तो मैं अब समाप्त करता हूँ अपनी बात। और अगर मुझे प्रश्न तो उत्तर आते होंगे तो मैं आपके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए तैयार। जी धन्यवाद सर, अच्छी और सारगर्भित जानकारी दी। और शुरू से लेकर आज तक किस प्रकार अध्यापक शिक्षा कदम ताल करते हुए आगे बढ़ी है,
सर छोटा सा आपसे प्रश्न ये है कि जो एनसीटी के एक जिम्मेदार ऑफिसर से हमने पिछले दिनों बातचीत करी और उन्होंने कहा कि उनके पास जो स्टाफ है वो बहुत कम है और सारा जो स्टाफ है वो टेम्परेरी है, उनके पास में 82 जो लोग हैं वो सारे डेपुटेशन वाले हैं। क्या इस पर सरकार को कोई संज्ञान लेना चाहिए या इस स्थिति को बदलना चाहिए कि 82 जो लोग और सभी डेपुटेशन वाले, डेपुटेशन के कोई रूल रेगुलेशन कानून, उनकी कोई सीमाएं इस तरह की जो कहीं उसमें कुछ इनोवेशन और उस पे लेने की बात करें। जी एनसीटी से ऐसे लोग जुड़ने चाहिए और हमेशा के लिए नहीं कि डेपुटेशन पे आए तो शुरू से लेके आखिर तक। एक व्यक्ति था, खैर हम वो छोड़ देते हैं, लेकिन जो लोग उस ऑर्गेनाइजेशन में हैं, संभाल रहे हैं, वो लॉन्ग टर्म उसको अपना माने, अपना मान के आगे बढ़े। इसके लिए जरूरी है कि एनसीटी को खुद रिक्रूटमेंट करना चाहिए जैसे लोगों को वो चाहते हैं, और अगर वो उपयुक्त काम नहीं करते हैं तो उनकी जगह दूसरे ले लेनी चाहिए। केवल डेप्टेशन पर ही सारा स्टाफ हो, ये स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि वहाँ का स्टाफ रेगुलरली सिलेक्टेड होना चाहिए। और जी सर बिल्कुल आपने सही फरमाया, अभी एक जो लोग बाहर व्हाट्सएप और रहे हैं, और एक उस पर एक प्रतिक्रिया जो आई है विद रेफरेंस टू लिफाफा कल्चर, इफ सोसाइटी इज एब्सोल्युटली करप्ट हाउ कैन टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बी करप्शन फ्री, एनसीटी इटसेल्फ कैन नॉट बी करप्शन फ्री। ये किसी का कमेंट आया है सर, इस बारे में आप थोड़ा सा कुछ प्रकाश डालेंगे। मैं एक पर्सनल उदाहरण देना चाहूंगा, जो देना तो नहीं चाहता था पहले, मैंने सोचा था नहीं दूंगा। एक प्रख्यात विश्वविद्यालय ने मुझे सम्मानित करने के लिए टीचर्स डे पर बुलाया। एक मिनिस्टर साहब स्टेट के मुझे मोमेंटो देने आए थे और उन्होंने ये कहा कि सिंह साहब बहुत अच्छे टीचर हो सकते हैं, लेकिन ये भी सकते हैं कि टीचर। मैं उस समय तक बोल चुका था, लेकिन मैंने एक मिनट का समय आयोजकों से मांगा और मैंने कहा कि जो काम मूल्य गिराने का, बढ़ते हुए मूल्यों के गिराने का सरकार नहीं कर पाई, अगर टीचर्स ने गिरा दिए तो आपको तो प्रसन्न होना चाहिए। बोले साहब मेरा नियम, मेरा मतलब उन मूल्यों से नहीं है। मैंने कहा मैं समझता हूं आप जिन मूल्यों की चर्चा कर रहे हैं उसमें गिराने में टीचर्स ने गिराए हैं मैं ये मानने को तैयार नहीं हूं, वो सहभागी हो सकते हैं, लेकिन गिराए आपने टीचर्स की इज्जत न करके, टीचर्स को इधर उधर के काम देके, यहाँ तक कि एक मंत्री जी ने अपने ही टीचर को जब वो मिलने गए डेप्यूटेशन पर तो कहा मैं भिखारियों से नहीं मिलता हूँ। क्या ये एक मंत्री का, अब बाद में पिटे वो मंत्री जी पिटे, उनके विद्यार्थियों ने जब वो अपने शहर में गए तो मारा के आपने अपने टीचर को भिखारी कहा है। तो देखिए मैं जानता था कि उनका जिन मूल्यों से मतलब है वो सांस्कृतिक मूल्य है, मॉरल वैल्यूज, लेकिन मैंने उनकी बात को काटने के लिए कहा था जो मूल्य सरकार नहीं गिरा पाई टीचर्स ने गिरा दिए, तो प्रशंसा के पात्र, लेकिन प्रशंसा के पात्र नहीं। हम मानते हैं कि लिफाफा कल्चर ने हमें बेईमान किया है और बेईमानी तो एनसीटी से पहले भी होती थी। अंगूठा ले लेना किसी विद्यार्थी का क्या है ये? आप अपने विद्यार्थी को प्रोत्साहन दे दीजिए, लेकिन अपने विद्यार्थी को आगे बढ़ाने के लिए किसी दूसरे का अंगूठा ले लें, ये कहाँ तक की सही बात है? वहां भी उस समय में भी भ्रष्ट लोग थे,
वैदिक कल्चर में भी थे, देवताओं और राक्षसों की आपने कहानियां सुनी है बहुत सारी, लेकिन लिफाफा कल्चर सबको बराबर असर नहीं करता। मुझे BHU के एक अध्यापक की याद है, उसने NCT के मेंबरशिप को ज्वाइन करने के विद इन 15 डेज रिजाइन कर दिया, फर्स्ट मीटिंग के बाद रिजाइन कर दिया। उसको तो लिफाफा का लालच नहीं था। आज के जमाने में, आज से 6 महीने से भी कम अंतर पहले, तो ऐसे टीचर अब भी हैं, क्योंकि टीचर से ये आशा की जाती है कि न वो भद्दी गाली देगा, न वो अश्लील व्यवहार करेगा, छात्रों को अपने बच्चे के समान मानेगा और इस तरह के प्रलोभन से दूर रहेगा। सुख पैसे से नहीं मिलता, सुख सोचने से मिलता है, और जब ये सुख के लिए हम सोच बदल देंगे विद्यार्थियों का, तो अपना सोच बदलना जरूरी है। तो ऐसे अध्यापक अभी भी हैं जो लिफाफे कल्चर से भ्रष्ट नहीं होंगे। और कुछ जी सर, आपने बहुत ही बढ़िया तरीके से चीजों को बताया, और निश्चित रूप से हर अध्यापक उसमें नहीं होगा, और कहीं जितनी जो इंस्टीट्यूशन से आई उनमें भी कहीं ना कहीं चेक करने के लिए हम अध्यापक ही उनको ओके भी करके आए, एक स्टेप अध्यापक के माध्यम से भी होके आगे बढ़ा। मैं आमंत्रित करता हूँ हमारे अगले पैनलिस्ट श्रीमान प्रोफेसर CPS साहब को, जिनका एक बहुत लंबा अनुभव रहा है, और NCT जो उसके मूल प्रशासन के साथ साथ इनोवेशन और एक्सटेंशन भी उसके मूल सिद्धांत थे कि हम कुछ नया करेंगे और उसका विस्तार भी करेंगे। मेरी समझ में नया और विस्तार दोनों ही बातें शायद कहीं ना कहीं लेक कर गई। आदरणीय चौहान साहब नमस्कार। मेरी आवाज पहुंच रही है साहब आपके पास? बिल्कुल सही सर, आज ओके, दैट्स फाइन। जब मैंने कल आपका ईमेल देखा और अपने दो बहुत सीनियर लोगों का नाम देखा तो मुझे बहुत प्रसन्नता हुई, और मुझे लगा कि ये मेरे लिए सीखने का बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि मैं इन दोनों लोगों को, प्रोफेसर अम्बस्त और प्रोफेसर सिंह साहब, SB सिंह साहब, इन दोनों को अपने गुरु तुल्य मानता हूँ। इनसे बहुत कुछ सीखा हम लोगों ने और अब भी सीख रहे हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं भी अब आज इस मौके को भी इस तरह ही सोचता हूँ कि मैं कुछ सीखने के लिए आया। बहुत सारी बातें जो हमारे दोनों सीनियर पैनलिस्ट ने बता दी हैं उन्हें मैं अवॉइड करना चाहूँगा, और मैं कुछ कोशिश करूँगा ऐसी बातों जो उनसे रह गई हैं, हालांकि कुछ बचा नहीं है, सारा घी निकाल लिया उन्होंने, अब छाछ रह गई है मेरे लिए, और उसी में से कुछ निकालने की कोशिश करूँगा। देखिए, टीचर एजुकेशन कम से कम हमारे देश के लिए कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं था। अंग्रेज को बात अलग है कि बाद में अंग्रेजों ने आके कुछ संस्थाएं बनाई, जो गुरुकुल सिस्टम था उसमें भी हमारे यहाँ टीचर ट्रेनिंग थी। आप हिस्ट्री पढ़िए, मॉनिटर बनाया जाता था, किसी अच्छे बच्चे को टीचर की गैर हाजिरी में देखता था क्लास का काम, बाद में उन्हीं लोगों में से टीचर बना दिए जाते थे, ऐसा कुछ लिखा हुआ इतिहास में मिलता है। इसका मतलब टीचर एजुकेशन जो कॉन्सेप्ट है वो इंडियन है, वो कहीं बाहर से नहीं है। हम पहले भी ट्रेनिंग देते थे और वो ट्रेनिंग शायद ज़्यादा अच्छी थी, जो कि बिल्कुल ऑन द स्पॉट होती थी, इंटर्नशिप होती थी, बहुत इंटेंसिव होती थी। खैर, उतना ज़्यादा हिस्ट्री में जाने की अब ज़रूरत नहीं है, और प्रोफेसर अम्बत साहब ने भी बताया कि NCT की ज़रूरत क्यों पड़ी, ये सब चीज़ें अम्बत साहब ने बताया। और टीचर एजुकेशन जो 1947 तक जितना डेवलपमेंट हुआ था उसमें बहुत ज़्यादा नहीं था, कि सेकेंडरी लेवल के क्लब सिर्फ 42 इंस्टीट्यूशन थे और एलिमेंट्री स्कूल लेवल के 650 थे, तो इतना था, जो कि बहुत काफ़ी नहीं था। उसके बाद क्योंकि प्लान डेवलपमेंट हुआ देश का, तो एजुकेशन में भी काफ़ी डेवलपमेंट हुआ, गवर्नमेंट ने कमीशन बिठाए, और सबसे पहले राधाकृष्ण कमीशन, उसके बाद
कोठारी कमीशन, सबने टीचर एजुकेशन पर जोर दिया। ये कहा कि नहीं, टीचर एजुकेशन में कुछ सुधार होना चाहिए और उसको उसका डेवलपमेंट होना चाहिए। और उसी को देखते हैं 1973 में NCTE बनी, नॉन स्टेचुटरी एनसीटी। अम्बा साहब बता चुके हैं उसका हेडक्वार्टर टीचर एजुकेशन डिपार्टमेंट NCERT कैंपस में होता। कुछ काम उन लोगों ने किया, जैसे 1978 में एक करिकुलम फ्रेमवर्क तैयार किया, 1988 में दूसरा किया। इसके बाद ये हुआ कि भाई जब नेशनल पॉलिसी बनी 1986 में, 1986 वाली पॉलिसी दूसरी नेशनल पॉलिसी थी फ्री इंडिया की, उसमें ये सोचा गया कि भाई टीचर एजुकेशन की जो क्वालिटी है उसको कंट्रोल करने के लिए कोई मैकेनिज्म होना चाहिए, और उसके लिए जो ऑलरेडी NCTE हमारे पास है NCERT कैंपस में, उसको स्टेचुटरी बना दिया जाए। और इसलिए 1993 में NCTE एक्ट पास कर दिया और NCTE एक स्टेचुटरी बॉडी बन गई, और 1995 में उसने अपना काम शुरू कर दिया। तो ये इसकी एक तरह से ब्रीफ हिस्ट्री है जो मैं बताना चाहता था। कैसे फंक्शन किया NCTE ने, उसके बारे में हमारे दोनों सीनियर जो आदरणीय हैं वो बता चुके हैं, और कुछ बातों को दोनों ने ही कोशिश की कि शहद लगा के बताएं, क्योंकि आजकल बाबा रामदेव भी कह रहे हैं शहद खाओ कोरोना में, और मेरी प्रॉब्लम यह है कि मेरे पास शहद होता ही नहीं, मेरे घर में शहद नहीं होता, तो मेरी समस्या ही सबसे बड़ी है। शहद मेरे पड़ोस में भी नहीं होता, तो इसलिए मैं कुछ कोशिश करूंगा कि अनटोल्ड स्टोरीज हैं उसको मैं बताता हूँ। एक अनटोल्ड स्टोरी किताब आई थी बहुत पहले, तो ये सब चीज़ें हैं। बहरहाल देखिए, NCTE की तीन बातें थी जो करनी थी NCTE को, मैं शॉर्ट में बताना चाहता हूँ। उसके मैंडेट को अगर आप पढ़ें, एक्ट को पढ़ें, तो बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है, कैंसी ये भी करेगी वो भी करेगी, वो ठीक है अपनी जगह। एक था कोऑर्डिनेटेड डेवलपमेंट ऑफ टीचर एजुकेशन। मुझे लगता है, मैं हो सकता है मैं गलत हूँ, आज तक NCTE ने कोऑर्डिनेटेड वर्ड का मतलब ही नहीं समझा कि कोऑर्डिनेट का मतलब क्या था। अब तक उन्होंने शायद इस पर ध्यान ही नहीं दिया, डेवलपमेंट पर ध्यान दिया और डेवलपमेंट को एक्सटेंशन में बदल दिया, कोऑर्डिनेटेड का मतलब आज तक समझा नहीं। दूसरा था कि क्वालिटी कंट्रोल कर, क्वालिटी गिरनी नहीं चाहिए, आप इंप्रूव मत करिए भाई, कंट्रोल करिए कम से कम, गिरने मत दीजिए। दूसरा, तीसरा था जो कि शायद सबसे इंपॉर्टेंट था, कि उसका कमर्शियलाइजेशन न हो, उसका व्यवसायीकरण न हो। लेकिन मैं पर्सनली ये सोचता हूं कि NCTE तीनों फ्रंट में फेल हुई है, तीनों। डेवलपमेंट भी कोऑर्डिनेटेड नहीं रहा। मैं समझता हूं कोऑर्डिनेटेड डेवलपमेंट का अर्थ यह होना चाहिए था कि लार्ज स्केल सर्वे किए जाते, स्टेट वाइज ये देखा जाता कि कहां कितने टीचर्स की जरूरत है, उस हिसाब से ट्रेनिंग कॉलेजेस खोले जाते, उतनी ही सबको सीट दी जाती, और तब वो रेगुलर चलता रहता। तो वो मैंने जो शिक्षा व्यवस्था है और बाकी जो हमारे समाज है, टीचर रिक्वायरमेंट है, स्कूल एजुकेशन का जो एक्सपेंशन हो रहा है, उससे कोऑर्डिनेट नहीं किया। तो एक ये बहुत बड़ी कमी रही जिसकी वजह से समस्याएं हुई। आज की मैं बहुत ज्यादा, क्योंकि डिटेल में जाऊंगा कोई फायदा नहीं है। अब क्या पोजीशन है, अब NCTE ने करीब 17 अलग टीचर एजुकेशन कोर्सेज बना के तैयार कर दिए, यानी 17 कोर्सेज हैं जो कि बिल्कुल अलग अलग हैं। जो बीएड प्रोग्राम पुराना एक साल का होता था, उसको 2 साल को कर दिया, क्योंकि बहुत पुरानी ये डिमांड थी। और वास्तव में जो पहले 1 साल का होता था वो करीब करीब 9 महीने का ही रह जाता था, वेकेशन निकाल के, और उसमें बहुत सारी चीज़ें हो नहीं पाती थी, तो 2 साल का कोर्स कर दिया, इसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन व्यक्तिगत रूप से जो 4 साल का कर रहे हैं इंटीग्रेटेड कोर्स, जैसे सिंह साहब ने भी थोड़ा सा उसमें रेफरेंस दिया, आइडिया बुरा नहीं, लेकिन हमें ये सोचना होगा
कि जो चीज विदेश में चल रही है वो हमारे यहाँ भी ठीक तरह चलेगी, ये जरूरी नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ की जो समाज है वो अलग है, हमारे यहाँ की सिचुएशंस अलग हैं। और ये 4 साल वाले एक्सपेरिमेंट पहली बार नहीं हो रहा, ये कई बार फेल हो चुका। सिंह साहब ने भी ये बात बताई कि पहले ये खोले गए और बाद में बंद कर दिए गए। देखिए साहब, 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स सबसे पहले कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी ने खोला था बहुत पहले, और एक बैच ही शायद मुश्किल से निकाल पाई, उसके बाद बंद कर। उसके बाद 4 ईयर कोर्स एनसीईआरटी ने खोला, सिंह साहब ने बताया कि एनसीईआरटी ने खोला, कुछ टाइम तक चला, उसके बाद उसे भी बंद करना पड़ा। और अब हम फिर नए सिरे से खोल रहे हैं। पता नहीं क्यों हम अपने अनुभवों से नहीं सीखते। मैंने कहा तो ये जाता है कि दूसरों के अनुभव से सीखिए, लेकिन शायद हम अपने अनुभव से भी नहीं सीखते। बहरहाल, मैं आई विश कि ये सक्सेसफुल हों, चाहते तो हम भी यही है कि ये सक्सेसफुल हों, लेकिन मुझे उसके होने में डाउट है, क्योंकि मुझे उसमें 2 प्रॉब्लम नजर आती। देखिए, हमको जब भी हम कोई नई चीज लागू करें किसी भी क्षेत्र, तो हमें अपनी सोशल चीज को इग्नोर नहीं करना चाहिए। दुर्भाग्य से हमारे देश में टीचर एजुकेशन, माने टीचर का उतना अच्छा सोशल स्टेटस नहीं है जो उन देशों में है जहां ये 4 साल के कोर्सेज, 5 साल के कोर्सेज चल रहे हैं, और यहां तक कि यूनिवर्सिटी चल रही है, बहुत ग्रेजुएट्स पैदा। वो चीज हमारे यहाँ दुर्भाग्य से नहीं है। 18 साल की उम्र में कितने माँ बाप ऐसे हैं जो ये चाहते हैं कि उनका बच्चा 18 साल की उम्र में ये तय कर ले कि उसको अध्यापक होना है। ये सोशल रियलिटी है, इसको हमको सोचना पड़ेगा। देखिए, मैं भी बहुत ज्यादा, जैसा भी सिंह साहब को तो मेरे प्रोग्राम में आने में ही लिए तलब किया गया, तो मुझे तो लोगों ने पटकने नहीं दिया होगा, ये बात आप समझ सकती। लेकिन कभी कभी मैं भी उनमें डेलिब्रेशन में शामिल हो जाता था, सुनता था, कहता कुछ नहीं था। तो मैंने ये देखा कि उस लोगों को कि साहब देखो, इंजीनियरिंग 4 साल का कोर्स है, कितने अच्छे इंजीनियर निकलते हैं IIT में, और वर्ल्ड क्लास इंजीनियर हम पैदा करते हैं, हमारी IITs कितनी अच्छी हैं। मेडिकल के कोर्सेज तो और लंबे होते हैं, वहां कितने अच्छे डॉक्टर निकलते हैं, तो इंटीग्रेटेड कोर्स होना चाहिए। ये कभी किसी ने नहीं सोचा कि इंजीनियरिंग में और मेडिकल में बच्चे अपनी चॉइस से आते हैं। मैं नहीं समझता कि हमारे यहां सब अपनी चॉइस से टीचिंग में आते होंगे, हो सकता है मैं गलत हूं। फोर्स ऑफ सर्कमस्टांसेस से बहुत लोग आते हैं, और ज्यादातर रूरल बच्चे, गांव के, मिडिल क्लास के आते हैं। हमारे यहां हालांकि प्रोफेसर आरपी सिंह की एक किताब थी, प्रोफेसर आरपी सिंह को आप जानते होंगे, NCERT में बहुत सीनियर प्रोफेसर थे, और वो भी शायद नहीं खाते थे, उनकी भी आदत थी, उनसे ही मैंने सीखा कि शायद नहीं खाना है। उनकी किताब में लिखा था कि इंडियन टीचर बेसिकली रूरल है। उनकी किताब का नाम ये था, द इंडियन टीचर, ये टाइटल था। और जब उनका उसमें एक चैप्टर था पोर्ट्रेट ऑफ एन इंडियन टीचर, उसमें लिखा था कि बेसिकली गांव से आता है। और उसमें ये भी लिखा कि जिस फैमिली का भी सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ है, गरीबी से जो थोड़ी सी समृद्ध हुई है, उसमें कोई ना कोई इनिशियल स्टेज पे टीचर जरूर रहा है। ये उन्होंने साफ साफ लिखा, टीचर एक ऐसी स्टेज है इनिशियल स्टेज पे जो फैमिली को उठाता है, ये प्रोफेसर। लेकिन ये सब देखते हुए कोई चॉइस से यहां नहीं आता, तो इस चीज को हमने इग्नोर किया, और इसीलिए अच्छा स्टफ नहीं आता है। ये SB सिंह साहब ने बताया, 4 साल के कोर्स में अच्छा स्टफ नहीं आ रहा। 4 साल को सोच दीजिए, अब तो 2 साल के कोर्स में भी आना लोग अवॉइड कर रहे हैं। जो अच्छे ब्राइट स्टूडेंट हैं, जो ग्रेजुएशन में फर्स्ट डिवीजन या अच्छी ब्राइट करियर होता है, वो लोग बचते हैं कि 2 साल कौन खराब करेगा। लेकिन ये 2 साल तक मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा इसको रेगुलेट किया जाए और उसकी वजह, लेकिन 4 साल के कोर्स को मुझे
डाउट है कि ये सक्सेसफुल होगा, मैं चाहता हूँ कि सक्सेसफुल हो, ऐसा नहीं है कि मैं इसके खिलाफ, इसके खिलाफ नहीं, ये चले मैं चाहता हूँ अच्छा, लेकिन मुझे इसके बारे में डाउट है कि ये चल पाए। तो इस तरह से दो बातें हुई, सोशली ये एक्सेप्ट नहीं हुआ, दूसरा टैलेंट इसमें आया नहीं, तो ये चीज इसमें हुई। बहरहाल एनसीटी ने जो काम किया है अब तक, उसमें जैसा कि मैंने बताया एक्सपेंशन बहुत ज्यादा हुआ, अनप्लान्ड हुआ, इसको प्लान्ड होना चाहिए था। और इस वक्त एनसीटीए के ऑफिशियल्स का दिया हुआ डेटा ही मैं आपको बता रहा कि जब से प्राइवेटाइजेशन हुआ है, जबकि प्राइवेट को देना हुआ है, देना शुरू किया है, तब से तो हालत यह हो गई कि लोगों ने अपनी फैक्ट्रियां बंद कर दी और उन्हीं शेड्स में ट्रेनिंग कॉलेज खोल, क्योंकि फैक्ट्री में उतनी आमदनी नहीं थी। तो यहां तक हुआ, लार्ज स्केल पे इंस्पेक्शन होते थे, मैंने भी बहुत किए, ऐसा नहीं है कि मैं इंस्पेक्शन में नहीं गया, मैं भी गया। और जैसा कि सिंह साहब ने बताया लिफाफा वाली कल्चर, मेरे पास भी कोई सबूत नहीं है कि मैं पाक साफ, मैं वो नहीं पढ़ता, मैं बिल्कुल साफ हूं कि मेरे पास भी कोई ऐसा सबूत नहीं है कि मैं पाक साफ। लेकिन इसका भी कुछ कारण है जो मैं रीड कर पाया, क्योंकि देखिए टीचर से ईमानदार पूरे समाज में मैं किसी को नहीं मानता, और मैं समझता हूं हो भी नहीं सकता। एक बात समझ लीजिए कि बहुत सारे अच्छे अच्छे एग्जामिनेशन के पेपर आउट हो जाते हैं, लेकिन आज तक एक भी केस ऐसा नहीं हुआ कि जिस टीचर ने पेपर बनाया उसके लेवल से हुआ, एक भी केस बता दो आप किसी, कभी नहीं। या तो टाइपिस्ट के लेवल से हुआ है, या किसी बाबू के लेवल से हुआ है, या कोई फोटो करके ले गया तब हुआ, टीचर के यहां से नहीं। तो टीचर की इंटीग्रिटी पे संदेह नहीं किया जा सकता। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी, जो कि एक साहब ने मुझसे कहा कि भाई लोग जो है प्राइवेट कॉलेज के इंस्पेक्शन में तो कहते हैं चले जाएंगे, सरकारी में मना कर देते। तो मुझे बड़ा अजीब लगा कि हो सकता है ये बात सत्य हो। खैर इसी प्रोसेस में मैं भी दो इंस्पेक्शन में गया, वहां पहले बहुत किए लेकिन एंड में मैं दो में गया, उसके बाद नहीं गया, मैंने लिख के मना कर। वो गया भी कहां, असम बाय एयर, दोनों इंस्पेक्शन में 80,000 रुपए खर्च हुए जेब से, और उसका पेमेंट 20% कम करके एक साल बाद किया, दो बार बिल लौटाया। इस तरह भाई, इस तरह तो नहीं चलेगा, टीचर ऐसा भी नहीं है कि ये सब चीजें नहीं चलें। और ये सब मैंने लिख के मना कर दिया कि आइंदा मेरा नाम निकाल दो, मुझे नहीं चाहिए। तो ये सब अच्छा, एक दुर्भाग्य से एक चीज और है, जब हमारे पास लेटर आता है तो उसमें दुनिया भर की चीज लिखी रहती है कि आप कॉलेज वालों की चाय नहीं पियोगे, आप कॉलेज वालों के कमरे में नहीं रहोगे, आप उनकी साइकिल पर नहीं जाओगे, दुनिया भर का ड्रामा उसमें रहता है। लेकिन वहां जो बिल पास करता है वो मान के चलता है कि टीचर तो अपना पूरा कर लाया होगा और वो जितनी कलम चला सकता है चलाता है। भाई देखिए हम अध्यापक हैं, हम लोग लॉस बर्दाश्त कम से कम नहीं कर सकते, हमें फायदा कुछ मत हो। अगर एक इंस्पेक्शन में जाने से 20,000 का लॉस हो जाए आदमी को, तो फिर दोबारा कैसे जाएगा। खैर ये इश्यू अलग है, उसको छोड़ दीजिए। और लिफाफा कल्चर तो भाई चली है, सिंह साहब ने ठीक कहा, एक साहब तो एनसीटी के काम में बहुत इन्वॉल्व रहते थे, मैं नाम नहीं लूंगा, और शायद एनसीटी उनके बगैर चलती नहीं थी। उनके बारे में तो ये कहा जाता है कि जब वो ऊपर जाएंगे, पता नहीं चलेगा कि नहीं, वहां अगर तलाशी ली गई तो हजारों खाली लिफाफे निकले। मतलब ये सब चीजें हैं, मैं बहुत ज्यादा, मैंने बताया कि शायद वैद मेरे पास नहीं होता,
अब सिचुएशन क्या है आज, ये है, मैं आपको कुछ डेटा दे रहा हूं जो कि एनसीटी के ऑफिशियल ने दिया है, मेरा नहीं। 19,000 टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, 19,000, जिनमें 19,00,000 सीट है। अब आप समझिए 19,00,000, ये एनसीटी के ऑफिशियल का दिया हुआ डेटा। और उन कॉलेज में से 96% प्राइवेट है, जिनमें 93% एनरोलमेंट प्राइवेट में। और वास्तविकता कहीं कहीं तो ऐसा है कि जिस स्टेट में वो कॉलेज हैं उस स्टेट के स्टूडेंट नहीं है। स्टूडेंट 3 बार आते हैं, 1 बार दाखिला लेने, 1 बार इम्तिहान देने और 1 बार डिग्री लेने। ये सब सच है। तो 19,000 हैं साहब, और एनसीटी के ही ऑफिसर्स ये कह रहे हैं कि सारी सीटों के लिए 5,00,000 एप्लीकेशन आती हैं, 19,00,000 सीटों के लिए 5,00,000 एप्लीकेशन आती हैं। और उसमें भी हमें हर साल 3,00,000 की जरूरत पड़ती है, यानी हम 3,00,000 को एकोमोडेट कर सकते हैं। 19,00,000 सीट है हमारे पास, 82% लोगों को जो ट्रेनी होंगे, बीएड निकलेंगे, उनको बेरोजगारी रहना है, अनएम्प्लॉयड ही रहना है, ये एनसीटी कह रही है। वहीं से मैं आपको डेटा लेके बता रहा हूं। उत्तर प्रदेश में बनी है बीएड बेरोजगार संघ, ये मैडम सुषमा जानती होंगी, इनको पता है। उत्तर प्रदेश में बीएड बेरोजगार संघ, अब रिसेंटली बनी है एमएड बचाओ महासंघ। क्या मजाक है भाई, एमएड बचाओ महासंघ बनी है, एक एक कॉलेज में आप समझिए 90-90 सीट एमएड की, ये मजाक नहीं तो क्या है? मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से एमएड किया सन 75 में, 25 सीटें थी वहां, 11 भरी गई थी, 13 खाली थी, क्योंकि उन लोगों के यहां सीट भरना जरूरी नहीं था, एडमिशन उनका करते थे जो उस लायक हैं, जो उसमें जाए। और अब तो हालत खराब है, 90-90 सीट कॉलेज में जहां कुछ है ही नहीं। ये सब चीजें हुई, तो इतना डिमांड सप्लाई गैप उल्टा हो गया, डिमांड कम सप्लाई उसके मुकाबले कहीं ज्यादा। तो अब ये है कि साहब, अब कहा जा रहा है कि भाई अब हम बंद करेंगे इंस्टीट्यूशंस को, बंद करेंगे, अब ये कहा जा, सब कुछ लुटा के होश में आए, अब दोबारा इंस्पेक्शन होंगे, आइडेंटिफाई किया जाएगा, 10,000 इंस्टीट्यूशन बंद किए जाए। क्या हो रहा है भैया, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा। अब इंस्पेक्शन करके, पहले तो इंस्पेक्शन इसलिए होते थे कि किसको कौन अच्छा है, किसको रिकॉग्निशन दे दिया, अब इसलिए होंगे कौन खराब है, किसको बंद करते। अच्छा, मान लीजिए आपने 10,000 बंद कर दिए, तो भी 9,000 होंगे, तो भी 9,00,000 सीट होंगी, 3 गुने बीएड निकलेंगे, जितनी हमें जरूरत है उससे। तो ये सब चीजें हुई, सबने देखा, सरकार ने भी देखा, और चीजें शायद आपको भी मालूम है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। 2007 में एक कमेटी बनी थी, एमएचआरडी ने बनाई, और उसके जो अध्यक्ष थे वो थे पहले सेक्रेटरी सुदीप बनर्जी था। उसका मैंडेट ये था कि एनसीटी के वर्किंग का असेसमेंट करें, रिव्यू करें। उस कमेटी ने कहा कि इसको बंद करो, उस कमेटी के रिकमेंडेशन है, उन्होंने कहा कि एनसीटी एक्ट को रिपील करो, इसकी जरूरत नहीं है। और साहब कैबिनेट नोट तक तैयार हो गया, सिंह साहब को पता है, सब बताया, उन्होंने नहीं बताया आप,
कैबिनेट नोट तैयार हो गया कि एनसीटी एक्ट को रिपील कर दिया जाए और एमएसएनआरडी ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, फाइनेंस मिनिस्टर ने एक्सेप्ट कर लिया, प्लानिंग कमीशन ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन कुछ बड़े शिक्षा शास्त्री जो एनसीटी के बनाने में भी इंस्ट्रूमेंटल थे उसके बचाव में आ गए। और तर्क वही कि साहब संस्थाएं बनाना तो बहुत मुश्किल है, ये तो हम भी जानते हैं मुश्किल है, उनको इसको सुधारना चाहिए, सुधार करो ठीक हो सकता है, और इसको बंद नहीं करना चाहिए, उसको कर करा के वो फाइल आज तक पता नहीं कहाँ। उसके बाद देखिए 2015 में फिर एक कमेटी बनी, उसके चेयरमैन एनसीटी के एक एक्स चेयरमैन ही थे, चेयरपर्सन ही थे, और उसका भी मैंडेट यही था कि एनसीटी के वर्किंग को आप इवेल्युएट करो कि भाई कैसे काम कर रही है, इसमें क्या करें क्या नहीं। उन्होंने भी रिपोर्ट में बहुत लंबी लिस्ट दी कि भाई एनसीटी में क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या गड़बड़ हुई, क्या इसमें होना चाहिए, क्या इसमें नहीं होना चाहिए, ये सब। दिक्कत यह है जो हमारी शिक्षा व्यवस्था की हालत है और जो इंस्टीट्यूशंस की हालत है वो भी एक तरह का कोरोना ही है, लेकिन उसका वैक्सीन है हमारे पास, हम उस वैक्सीन को यूज नहीं करना चाहते। देखिए हमारे यहाँ जो स्टैंडर्ड गिरा है वो प्राइवेटाइजेशन की वजह से गिरा है, और बहुत सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूशन जो हैं वो अच्छी क्वालिटी के नहीं, वो एडमिशन करते हैं और डिग्री, ये सब जानते हैं, सबको पता भी है। और इसका वैक्सीन क्या है? वैक्सीन ये है कि प्राइवेट कॉलेजों की भी टीचर्स की सर्विस कंडीशन आप वैसी कर दीजिए जो गवर्नमेंट की होती है, क्योंकि टीचर ही सिस्टम को ठीक करेगा। मेरा दावा है कि पूरा सिस्टम ठीक हो जाएगा, लेकिन वो हम नहीं करेंगे, आप नहीं कर सकते, वो वैक्सीन आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो बीमारी हमको पता होती है, इलाज हमको पता होता है, लेकिन हम नहीं कर सकते। सिंह साहब मुस्करा रहे हैं सुन के क्योंकि मैं जो बात सच है, आप टीचर्स की कंडीशंस वही कर दीजिए चाहे प्राइवेट हो कुछ। पहली बात तो ये है कि कोई खोलने की हिम्मत नहीं करेगा फिर, और जो खोलेगा वो ठीक चलाएगा क्वालिटी से, और टीचर ही ठीक कर सकता है सिस्टम को, ये हमको गाढ़ बात देना चाहिए। पॉलिसी से प्रोग्राम बनाने से नहीं होता, ज्यादा फंड देने से नहीं होता, टीचर करता है उसको ठीक, टीचर सिस्टम को ठीक करता। तो ये सब है। अब मैं अपनी व्यक्तिगत राय बताता हूं साहब, मैं मानता हूं कि बाढ़ खेत खा गई है, बाढ़ खेत की रखवाली के लिए लगाई जाती है, लेकिन वो खेत को कब है? मैंने इसी टाइटल पर बहुत दिन पहले एक आर्टिकल भी लिखा था, यूनिवर्सिटी न्यूज में छपा, उसका टाइटल यही था, फेंसिंग ईट्स अप द क्रॉप। मुझसे बहुत नाराज हुए लोग जो मैदान में थे, वो काफी नाराज हुए, लेकिन मैं आज भी यही सोचता हूं जिस तरह काम कर रही है इस तरह की संस्था की आवश्यकता नहीं है, बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि जितनी ये ऑर्गेनाइजेशंस हैं, लीगल एजुकेशन के लिए है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, मेडिकल एजुकेशन के लिए है, उसके लिए है, जब हमारे पास नैक है उसका काम भी तो वही है, आप सबको उसमें मर्ज कर दीजिए, कोऑर्डिनेशन भी होगा, आपके फंड भी बचेंगे, यूनिफॉर्मिटी भी होगी। अभी सिंह साहब ने बताया और हमारे उन्होंने बताया अंबर साहब ने कि किसी को भी चेयरमैन बना दिया जाता है, स्टाफ नहीं है, 60 लोग डेपुटेशन के हैं, कोई कहीं से। देखिए इससे और कुछ तो साफ नहीं होता, एक बात इससे साफ होती है कि मिनिस्ट्री के दिमाग में एनसीटी की अहमियत कितनी है, ये पता चलता है। हो सकता है मैं गलत हूं, ये इससे पता चल जाता कि आप किसी को भी चार्ज दे दो, मेडिकल एजुकेशन में आप ऐसा नहीं करते, इंजीनियरिंग एजुकेशन में आप ऐसा नहीं करते, लेकिन एनसीटी में आप किसी को भी चार्ज दो,
एक टाइम वो था जहां ऐसे लोगों को इंस्पेक्शन करने भेजा गया जो एजुकेशन में थे ही नहीं। टीचर्स की, इंस्पेक्टर्स की कमी पड़ गई थी, तो हालत इतनी खराब जब हुई तो मुझे नहीं लगता इस तरह की संस्थाओं की अब जरूरत है। सरकार को नए सिरे से सोचना चाहिए, और बार बार ये सब होने के बाद भी फिर भी बचे रहते हैं, कौन सा फार्मूला है ये मेरी समझ में नहीं आ रहा। कुछ तो बात है जो हस्ती मिटती नहीं हमारी, कहीं कुछ तो है। बहरहाल मेरी बातें किसी को बुरी लगी हो तो मैं हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूं, क्योंकि मुझमें सच बोलने की आदत है, ये बहुत बुरी है। इसके छुड़ाने का कोई नुस्खा हो तो मुझे आप बताइए। आपको सबको धन्यवाद देता हूं मैं दोबारा। जी थैंक यू सर, आपने बहुत ही अच्छी और सटीक और सच्चे तरीके से बातों को पहले जो हमारे साहब ने जो रखा उसी तरीके से और जोरदार तरीके से बातों को सामने रखा, और निश्चित रूप से टीचर एजुकेशन के फील्ड में और एनसीटी के रोल में कहीं ना कहीं इस तरह की खामी रही है। सर एक मैं मेंशन करना चाहूंगा, रूल 2014 जब हमारे सामने आया और उस समय जो मेंबर सेक्रेटरी थे उनकी मेरे पास ऑडियो क्लिप आज भी रखी हुई है, उनसे जब पूछा गया कि साहब इसमें आपने बेसिक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस छोड़ दिए हैं, तो उन्होंने कहा कि मैंने इसको पढ़ाई नहीं, पढ़े बिना साइन कर दिए। बहुत अच्छा, मैंने 2014 को पढ़ाई नहीं पढ़े बिना साइन कर दिए। देखिए अच्छे अफसर की तो पहचान ही है कि उसको पढ़ना नहीं चाहिए, साइन करते रहे। सर के बाद में उनको 3 पेज का स्पेलिंग मिस्टेक्स की करेक्शन का एक और नोटिफिकेशन जारी करना पड़ा। और मैंने बताया ना आपको, जितना कहो उतना ही कम है, ये समझ। लेकिन कुछ होना नहीं है ना, बियाबान में दुंदुभी आप बजाते रहिए। हम ये नहीं चाहते, हम चाहते सुधार हो सिस्टम में, और ऐसा हो मैंडेट पर काम करो भाई। सबसे पहले आपका कोऑर्डिनेशन था, आपको ये देखना चाहिए था कि कितने टीचर्स की जरूरत है, प्लान करिए, मैन पावर प्लानिंग करिए। बिल्कुल ऐसे बांटना शुरू कर दिया जैसे जैसे प्लॉट अलॉट हो रहे हैं किसी हाउसिंग सोसाइटी में, ऐसे नहीं करना था। लेकिन मैं फिर भी ये करूंगा, पहले 10 साल एनसीटी ने काम ठीक किया, मैं अप्रिशिएट करता हूं। उसके बाद गड़बड़ हुई, कैसे हुई उसमें बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहते, आप लोग जानते हैं सब। तो यही है, मुझे नहीं लगता कि इसकी जरूरत है, ये डिफंक्ट रहती है। साल भर से मुझे चेयरमैन ही नहीं अपॉइंट हुआ, साल भर से ज्यादा हूं, किसी को फिक्र नहीं है, ऐसे कैसे चलेगा भाई। देखिए संस्थाएं नौकरी देने को नहीं होती कि हम ये सोचें कि भाई यहाँ कुछ लोगों की नौकरी चल रही है, वो अगर इसको ये कर देंगे तो सब कहाँ जाएंगे। ये सब नौकरी देने के लिए संस्थाएं नहीं होती हैं, संस्थाओं का पर्पस अलग होता है। तो थोड़ा सा नए सिरे से सोचना गवर्नमेंट को चाहिए। जी मैं समझता हूँ। एक छोटी सी जिज्ञासा आपसे जानने के लिए कि बहुत लंबे समय से एनसीटी में कोई अकेडमिशियन नहीं है, उसको संभालने वाले जिम्मेदार पदों पर कोई अकेडमिशियन नहीं है, सारे क्लेरिकल लोग हैं, और उसके लिए प्रेजेंटेशन क्यों नहीं गया गवर्नमेंट को कभी भी? बात उसकी नहीं है, सिंह साहब ने बताया, मैंने बताया ना कि सिंह साहब ने तुमसे शहर लगा के बता दिया, एक दो को छोड़ के बाकी कोई चेयरमैन ऐसा नहीं हुआ जो प्रोफेशनली टीचर एजुकेशन में ट्रेंड हो। इस पर किसी ने सवाल नहीं उठाया। यस सर, इम्पोर्टेंट यही बात है, कोई भी हमारी टीचिंग कम्युनिटी ने कभी सवाल नहीं उठाया ना, हिम्मत ही नहीं है ना किसी की, उसके लिए हिम्मत चाहिए, है ना। अच्छा मुझे तो कभी कुछ बनना नहीं था, मैं तो ऐसा ही रहना था, मुझे पता था। इसलिए मैं सवाल उठाता हूँ, उठाता आ जाऊँ, उठाता रहूंगा जब तक रहूँ। जी, गलत चीजों को कहना चाहिए कि ना, समझिए गलत। जी डेफिनेटली सर, आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी, और हम चाहेंगे अभी आप हमारे साथ बने रहेंगे सर, लोगों के और बहुत बाद में, और हम आपसे अभी और आपके साथ में कुछ जानकारी जिज्ञासाएं लेंगे सर। मैं हमारे अगले पैनलिस्ट प्रोफेसर सुषमा पांडे जी को आमंत्रित करता हूँ अपने उद्बोधन के लिए।
प्रोफेसर सुषमा पांडे जी। सबसे पहले मैं सभी को अपना नमस्कार प्रेषित करती हूँ। सबसे मेरी आवाज आ रही है? जी एकदम सही आ रही है आपकी आवाज। ठीक ठीक। सर प्रोफेसर अम्बेत सर, एसबी सिंह सर, सीपीएस चौहान सर और डॉक्टर दीपी सिंह जी, सबके प्रति मैं पहले अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ, फिर अपनी बात पे आऊंगी। मेरी तो हालत वो हो गई है, जब चौहान सर ने ये कह दिया कि वो दो दो लोग जितना बता चुके हैं, तो वो उसके आगे मैं मुझे उससे दूसरी चीज बतानी है। मेरी स्थिति और अलग है, मैं तो वैसी हो गई क्योंकि ये सब तीनों लोगों को मैं देखती रही, इनके सामने विद्यार्थी ही हूँ मैं, तो मेरी स्थिति और अलग है। अब मैं एक अच्छे विद्यार्थी की तरह जो आपका जो है कि बिफोर एंड आफ्टर एनसीटी, मैं उसी पर अपनी बात केंद्रित करूंगी क्योंकि मैं अभी उस जगह उस वो उसमें सारे एक्सपीरियंसेस जैसे सर लोगों के पास है एनसीटी के, वो मेरे पास नहीं है। अभी एक अध्यापक की तरह काम कर रही हूँ। मुझे द्रोणाचार्य जी के एक अभी मैं महाभारत देख रही थी तो उनका एक कथन याद आया मुझे। द्रोणाचार्य जी जब भीष्म पितामह को वो रक्षा कवच पहनाने जाते हैं तो भीष्म पितामह कहते हैं द्रोणाचार्य जी को, आप गुरु हैं तो आप मुझे ये मत पहनाइए, आप बहुत सम्मानीय हैं। तो द्रोणाचार्य जी ने मुझसे कहा कि मैं गुरु नहीं रह गया, मैं शिक्षक हो गया। मैं इसलिए शिक्षक हो गया क्योंकि जब मेरे मन में राज्य का लोभ आ गया, अपने पुत्र के हित का लोभ आ गया, उसी समय मैं गुरु गुरु वाला पद हटके अब मैं शिक्षक रह गया, इसलिए मुझे अपनी सेवा करने दीजिए। ये जो बात थी मैं इतनी देर से ये सुन रही थी, ये मुझे समझ में आई। और मैं आपको एक चीज और कहना चाहती हूँ। मैं कल मेरे एक विद्यार्थी ने बहुत अच्छी बात कही, विद्यार्थी ने कहा वो शायद इसमें जुड़ा हुआ है तो टीचर को उसे याद भी रखना चाहिए। विद्यार्थी कहने लगा कि मैडम शिक्षक एक सड़क की तरह होता है, कुछ तो वही रह अपने विद्यार्थी को वो लक्ष्य तक पहुंचा देता है। तो इसलिए आप ये बताइए मैडम कि अगर सड़क खुरदरी हो, चलने लायक ना हो, तो कैसे विद्यार्थी अपने लक्ष्य तक पहुंचेगा? तो ये जो उसने कही वो मुझे उद्धृत करना बहुत समीचीन लगा, तो मैंने इसलिए आपके समक्ष ये बातें कही। अब मैं कुछ बातें आप लोगों से कहना चाहती हूँ। पहला तो ये कि एनसीटी रिकॉग्नाइज टीचर एजुकेशन सिस्टम के हम सभी उपज हैं और इसी इरा में जी रहे हैं, ये आप सभी लोग जानते हैं। 18वीं सदी के में ईस्ट इंडिया कंपनी ने के तीन जो प्रेसिडेंसी के अंतर्गत तीन निजी संस्थाओं से भारत में शुरू हुआ। सर ने पहले बताया हुआ है कि मॉनिटोरियल सिस्टम था हमारे यहाँ, लेकिन भारत में जो हम जिस टीचर एजुकेशन सिस्टम को आज देख रहे हैं, ये हमारा कहीं ना कहीं अंग्रेजों के समय से हमारे देश में आया, जिसका मैं थोड़ा सा उल्लेख करके तब मैं आगे बढ़ूंगी। कहा यह जाता है कि सबसे जो एक अधिकृत एक दृष्टिकोण है जो टीचर एजुकेशन को भारत में जिसकी सार्थकता को लेकर के कहा गया, वो था 1815 में विलियम प्रेसिडेंसी ने न्यायिक प्रशासन पे लॉर्ड मोइरा का मिनट स्कूल प्रशिक्षण की आवश्यकता पर एक बात उन्होंने कहा। उन्होंने कहा ग्रामीण स्कूल के शिक्षक वो नहीं पढ़ा सकते जिनकी शिक्षा उन्हें कभी भी मिली है। चौतरफा प्रदूषित वातावरण और लंबी दास्ता ने उनको इस लायक नहीं छोड़ा कि वो सरकार के सिद्धांतों का बीजारोपण करें जैसा कि हम चाहते हैं। उन्होंने शुरू इसलिए किया था कि शिक्षक शिक्षा ऐसे टीचर तैयार करे जो सरकार के मंशा के अनुरूप वहां पर मतलब सरकार के मंशा के रूप आने वाली पीढ़ी तैयार करे। और इसलिए उन्होंने ये भी कहा कि एक नैतिक मानदंड की छोटी सी संहिता टीचर को दिया जाए जो इस प्रकार से हो कि सर्वोच्च वो सत्ता को माने पर उनके मन में किसी धर्म विशेष को लेके विभेद ना पैदा हो। इसको लेकर के फिर 1815-1854 में हमारे देश में शिक्षक शिक्षा के प्रति विचार सुदृढ़ होना शुरू हो गए। हालांकि धीरे धीरे जो है देसी शिक्षकों के द्वारा शिक्षा का प्रचार प्रसार भी शुरू हुआ जो थोड़ा अंग्रेजों के मनोकूल से 1826 में मद्रास गवर्नर थॉमस मुनरो ने एक बात कही। उन्होंने कहा कि सबसे पहली आवश्यकता तो ये है कि अध्यापकों को प्रशिक्षित करने के लिए विद्यालय खोले जाएं। इसका मतलब ये है कि भारत में शिक्षक शिक्षा की दिशा में सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण का प्रयास पहले अशासकीय स्तर पर हुआ, जिसमें तीन प्रमुख इंस्टीट्यूशंस के नाम सोसाइटीज के नाम आते हैं। 1819 में कलकत्ता स्कूल सोसाइटी, बॉम्बे नेटिव एजुकेशनल सोसाइटी और मद्रास स्कूल सोसाइटी, ये एक रिपोर्ट बनाते थे जिसमें ये भी लिखते थे कि उन्होंने टीचर एजुकेशन के लिए क्या काम किया। 18वीं शताब्दी के अगर अंत में हम देखें, क्योंकि थोड़ा सा इसके बारे में देख ले, तो अंत में ये होता है कि देशज और अंग्रेजी भाषा की शिक्षण में कमी के कारण जो सरकारी विद्यालय थे, जो सरकारी स्कूल थे, उनकी स्थिति अंग्रेजों के मनुकूल नहीं थी, तो वो धीरे धीरे इस पर उनका दबाव बनने लगा
और उन्होंने ये कहा नो प्रोग्रेस इन एजुकेशन कैन बी मेड विदाउट एन प्रॉपर बेटर बेटर इंस्ट्रक्टेड टीचर एजुकेशन सिस्टम, ये उनका दबाव बना, ये बात वहां से निकल के आई। फिर हम आगे अगर चले वुड डिस्पैच 1854 ले, जिसमें जो बार बार ये जिसमें प्रशिक्षण विद्यालयों की संख्या पर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने ये कहा कि वो अपेक्षा के अनुरूप नहीं रही। 1881-82 का लें तो उसमें भी वो नॉर्मल स्कूल उस समय हमारे यहाँ 106 हो गए थे। 1882 के शिक्षा आयोग का लें तो उसमें शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम के स्वरूप और प्रक्रिया दोनों को डिसाइड करने की बात कह दी, तो ये इस तरीके से आया। और एक हम ये देखें तो 19वीं शताब्दी के अंत तक एक शिक्षक प्रशिक्षण का ढांचा हमारे देश में तैयार हो गया। बढ़ती आवश्यकता ने शिक्षक शिक्षा के पद्धति स्वरूप विषय वस्तु संरचना को प्रभावी बनाने के चिंतन की आवश्यकता पर बल देना प्रारंभ किया। और 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में जो लॉर्ड कर्जन ने शिक्षा व्यवस्था पर परिवर्तन के लिए जो भी काम करना शुरू किया उसका असर शिक्षक शिक्षा व्यवस्था पर भी पड़ा। 1904 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रेजोल्यूशन ने चरित्र संख्या योग्यता के मान से शिक्षकों को योग्य होना चाहिए ऐसा उन्होंने कहा। और ये स्थिति बन गई कि एक कौन कितने कितना जो है वो एजुकेशन होगा तो वो किस स्तर के शिक्षक बनेंगे, इसका इस पर एक पूरी अपनी बात कही जिस पर मैं ज्यादा बात नहीं कहूंगी। और 1913 में रिजोल्यूशन ऑफ एजुकेशन पॉलिसी ने घोषित किया कि शिक्षा की आधुनिक पद्धति के में बिना योग्यता प्रमाण शिक्षक योग्यता प्रमाण पत्र के बिना शिक्षण की अनुमति नहीं दी जा सकेगी। मतलब एक वैधानिक दर्जा शिक्षक प्रशिक्षण को नौकरी के लिए मिल गया, मतलब ये 1913 में ही रेजोल्यूशन में आया। और 1917-19 में अगर हम देखें तो कलकत्ता विश्वविद्यालय कमीशन ने ज्यादा से ज्यादा संख्या में प्रशिक्षण संस्थान खोलने की संस्तुति की और हड़ताल कमीशन ने भी शिक्षा के स्तर के उन्नयन के लिए अपनी बात कही। इसी प्रकार अगर हम आगे भी चले तो 1944 में साजन कमेटी ने अलग अलग प्रशिक्षण संस्थान सुयोग व्यक्तियों के चयन रिफ्रेशर कोर्स की व्यवस्था अनुसंधान सुविधाएं और अध्यापन अभ्यास को सुदृढ़ बनाने पर बल दिया। ये कुछ बातें हैं जो मैं कहना चाहती थी कि ये अंग्रेजों के समय तक हमारे देश में ये चीजें शिक्षक शिक्षा व्यवस्था को पर चल रही थी। अब आप ये बात जानिए कि स्वतंत्रता के साथ शिक्षक प्रशिक्षण का एक सुव्यवस्थित ढांचा भी हमें उपहार स्वरूप अंग्रेजों के द्वारा मिल गया जो प्रशिक्षण दे रही थी। प्रशिक्षित प्रशिक्षित ये बात स्पष्ट थी कि समाज में प्रशिक्षित अध्यापकों को अधिक सक्षम माना जाने लगा और 1948 तक माध्यमिक स्तर की 10 प्रशिक्षण संस्थान और 1995 तक ये 633 हो गई, ये स्थिति बन गई। और ये जो शिक्षा आयोग जैसा सर ने भी इस पर बात की 1964-66 को देखें जो इस बात पर लगातार बल देती रही कि जो अप्रशिक्षित अध्यापक जो है काम कर रहे हैं पहले उनको प्रशिक्षित किया जाए। और ये उस पर बातचीत में पहले पूर्व के हमारे वक्ताओं ने कहा भी कि हेलो मैडम, आप तक मेरी आवाज है? शायद कुछ प्रॉब्लम है। सर मैम के वॉइस में कुछ प्रॉब्लम हुई है। मैं इस बीच हमारे जो हमारे पूर्व पैनलिस्ट प्रोफेसर एनके अंबा साहब से एक जिज्ञासा जो बनी हुई है उसके लिए मैं जानना चाह रहा था सर आपसे इसके बारे में कि एनसीटी का जो वर्तमान स्वरूप है और ज्यादा बेहतरीन ये अध्यापक शिक्षा को कैसे बना दें, इसके लिए आपके सुझाव रूप में संक्षेप में आप प्लीज गाइड करें सर। धन्यवाद। गेटिंग बैक टू मी, मैंने तो आपके विषय को ही सेंट्रल रख करके एनसीटी पहले से लेके अब तक की बात कर रहा की है
मगर अभी आप आपने जो ये प्रश्न उठाया है वो बड़ा समीचीन है। सबसे पहली बात यह है कि एडहॉकिज्म ये सबसे ज्यादा जो है एनसीटी के ऊपर अफेक्ट कर रहा है। बहुत सीपीएस चौहान साहब ने और एसपी सिंह साहब ने ये बात उठाई और बहुत सही उठाई कि वहां का कोई अपना कैडर है ही नहीं। एक तरह से मैं टू ईयर बीएड कोर्सेज पर कुछ दिन के लिए वहां कभी कभी जाता था एक आध दो मीटिंगों के लिए, तो वहां चपरासी जो है आपको आपकी सारी फाइल और आपके सारी चीजें, और वहां पर कोई एकेडमिक जो इस बात को समझ सके कोर्स को वो नहीं होता। चपरासी वाज मैनेजिंग एवरीथिंग, ये तो वहां की स्थिति है। तो पहले तो अपना ही सुधार कर लें। वहां न कोई रेगुलर एडवाइजर है, न रेगुलर कोई, सब किसी किसी को कहीं कहीं से पकड़ के लाया, कुछ डिप्टेशन पर कुछ इस पर। डिप्टेशन को जो आया हुआ है वो समझ रहा है कि हमको लौट के जाना है, हमारा तो 2 साल हो गया, हमारा 2.5 साल हो गया। तो ये एक इंट्रिंसिक जिसको कहते हैं इनर वीकनेस ऑफ एनसीटीई है, वो एक्सपर्ट एक्सटर्नल एक्सपर्ट्स पर डिपेंड करता है 100%। और इसलिए सेंस ऑफ कमिटमेंट जो इंस्टीट्यूशनल लॉयल्टी, इंस्टीट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड इंस्टीट्यूशनल आई वुड से एफिलिएशन, इसका टोटल एब्सेंस है। और वो परमिएट करता है राइट फ्रॉम चेयरमैन टू डाउन। 3 साल का तो टर्म देते हैं पहले, 3 साल इज टू और टू लिटिल। एक तो पहला ये करना चाहिए कि टर्म 5 साल का, दूसरा ये कर देना चाहिए कि एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेटर ही उसके लिए कंसिडरेशन जोन में होना चाहिए, और तीसरा कि कमिटेड स्टाफ। अगर आप थोड़ी देर के लिए सोच लीजिए कि एनसीईआरटी के सारे लेक्चरर, रीडर, प्रोफेसर डिप्टेशन पर 2 साल के लिए आए या 3 साल के लिए आए और चले जाए, तो संस्था गर्त में जाएगी कि नहीं जाएगी। यूजीसी के सारे स्टाफ वो भी 3 साल के लिए आए और 2 साल के लिए आए, तो यूजीसी का क्या हाल होगा। तो यही समस्या एनसीटीई में भी है। मुझे बहुत मतलब इट वाज अ शॉक ऑफ माय लाइफ कि मैं जब इन्वॉल्व हुआ 2-3 साल पहले, 2-4 कमिटियों पर बुलाया गया मुझको, तो मैंने पाया कि कोई भी व्यक्ति, रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति उस विषय के बारे में कुछ भी नहीं जानता। वहां पर एक कोई चपरासी था, वो आता था, वो जानता था कि हाँ साहब यहाँ से इतनी फाइल आई, ये नाम आए हैं, ये रखा गया है, और वो उसको बांध करके, उसको फाइल बांध करके ले जाता था, फिर नेक्स्ट मीटिंग को वही निकाल के ले आता था। और जो कंसर्न ऑफिसर होता था वो अपने कमरे में बैठा रहता था, उसको उसको चपरासी के माध्यम से ही जो कुछ थोड़ा बहुत एडमिनिस्ट्रेटिव, उसका कोई एकेडमिक इनपुट या एकेडमिक कंट्रीब्यूशन नहीं होता था। तो मैं तो देखता हूं कि अगर इनर रिफॉर्म कर दिया जाए एनसीटीई में, तो आधे से ज्यादा समस्या हल हो सकती है। और वो इनर रिफॉर्म यह है, रेगुलर कैडर, ड्यूली क्वालिफाइड, चेयरमैन 3 से 5 साल कर दीजिए जैसे एनसीईआरटी का है, उससे थोड़ा सा स्टेबिलिटी आएगी। और तीसरा यह है कि इट शुड बी हेडेड बाय एन एजुकेशनिस्ट कम एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेटर, इन नो केस इट शुड बी ब्यूरोक्रेटाइज्ड। तो डेफिनेटली सर, बिल्कुल आपके इन विचारों से अगर इस तरह का इनर रिफॉर्मेशन होता है और एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन और एकेडमिशियंस के हाथों में आती है,
नहीं कहता हूँ 50% है, इट्स नॉट पनेशिया फॉर ऑल इल्स। सीपीएस चौहान ने बहुत सारी बातें बताई हैं, एसबी सिंह साहब ने बहुत सारी बातें बताई हैं, वो सब अपनी जगह पर है, मगर कुछ कुछ जरूर इसमें सुधार की आवश्यकता है। पहले तो आप खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तदबीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे तथा तेरी रजा क्या है, तो पहले तो एनसीटी को खुद अपने आप को संभालना होगा, अपने आप में रिफॉर्म करना होगा, अपने आप को इफेक्टिव बनाना होगा, अपने आप को रेलेवेंट बनाना होगा। जब ये हो जाएगा तब थोड़ा सा बाहर उसकी क्रेडिबिलिटी भी बढ़ेगी, मेरा तो यही सोचता है। मैं पहले तो आत्म सुधार करूंगा, अगर एनसीटी अगर मैं एनसीटी हूं तो आत्म सुधार करूंगा, और उसके लिए मैं जानता हूं उसके रेजिस्टेंस बहुत होती है। एनसीटी क्या एक और भी होता, एनसीटी डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन इन एमएचआरडी से कंट्रोल होता था, और काम जो वो सारा करता था वो स्कूल एजुकेशन का होता था, लिहाजा हायर एजुकेशन जो यूजीसी को डील करता है वो एनसीटी के विषय वस्तु को वो उसके बाहर से थी। अब बहुत रिसेंटली एनसीटी को स्कूल एजुकेशन में ट्रांसफर किया गया है, बहुत रिसेंटली, मे बी अबाउट 2-3 4 months। तो अब थोड़ा सा कुछ उसमें परिवर्तन की संभावना है जो अभी परिलक्षित नहीं है। तो मैं तो ये समझ रहा था कि इनर रिफॉर्म एक्सटर्नल रिफॉर्म में बहुत सारी बातें लोगों ने बताई, बहुत सी चीजें कही, थोड़ा सा विषयांतर भी जगह जगह पर हुआ है, मगर कंसंट्रेट करें कि रिफॉर्म इन एनसीटी क्या हो चुका, क्या हो रहा है, क्या होना चाहिए। अगर ये तीन एस्पेक्ट पर अपने को कर ले तो आपका ये जो आप विचार कर रहे हैं अगर इसको आप इकट्ठा कर लें तो एक अच्छी रिपोर्ट बन सकती है डीपी सिंह साहब आपके तरफ से, उनकी एनसीटी में क्या क्या हो सकता है या क्या होना चाहिए। जी सर, बिल्कुल कोशिश करेंगे, इसको एक रिपोर्ट के साथ में सही इस वेबिनार की जो रिकॉर्डिंग्स है उसको पहुंचाए भी, ताकि अगर कोई किसी के अगर ये ध्यान में आती है, संज्ञान में आती है, तो निश्चित रूप से देश का फायदा होगा। मैं आमंत्रित करना चाहूंगा प्रोफेसर सीपीएस चौहान साहब को। चौहान साहब, आपसे हम मार्गदर्शन चाहेंगे कि एनसीटी की जो वर्तमान स्थिति, इसको और बेहतरीन बनाने के लिए, देश की टीचर एजुकेशन को और बेहतरीन बनाने के लिए आपके हिसाब से वो संक्षेप में क्या इसका स्वरूप, क्या इसमें मतलब कि सुधार होने चाहिए, आदरणीय चौहान साहब। अंबर साहब ने बता दिया, बस वही है कि थोड़ा रेगुलर तो उसमें स्टाफ हो, और ये बात सही है कि एनसीटी चेयरमैन का जो टर्म है ना वो बहुत कम है, 3 साल, क्योंकि 3 साल का मतलब ये है कि 1 साल तो उसको समझने में लगेगा सिस्टम को, और लास्ट का साल ये होगा कि भाई अब कहाँ जाना है। 1 साल काम करने को मिलता है आदमी को प्रैक्टिकल, तो ये सब चीजें थोड़ा सा उसको बढ़ाएं, ये ठीक बात है। और देखिए कम से कम ये संस्था बनी है टीचर एजुकेशन के लिए, टीचर ट्रेनिंग के लिए, तो कम से कम जो आदमी आए वो इस फील्ड में प्रोफेशनली ट्रेंड हो, इस बात का गवर्नमेंट को ध्यान रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी को भी आप वहां पर बिठा दो, इसको ध्यान रखना जरूर कि वो आदमी कम से कम प्रोफेशनली ट्रेंड हो, सिस्टम को समझता हो, स्कूल एजुकेशन को समझता हो, क्योंकि हम स्कूल एजुकेशन के लिए काम कर रहे हैं प्रैक्टिकली, तो स्कूल एजुकेशन को समझना जरूरी है, टीचर एजुकेशन को समझना जरूरी है, ये चीजें उसमें होनी चाहिए थोड़ा सा। और अब बाकी अपना जो फंक्शनिंग है उसको थोड़ा सा ठीक करें। एक बात बता देखिए, मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में रहा हूँ, वहाँ मेडिकल कॉलेज बहुत बड़ा है और इंजीनियरिंग कॉलेज भी बहुत बड़ा है, वहाँ के टीचर्स ऑल इंडिया में जाते थे इंस्पेक्शंस में, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया में भी जाते थे। आपको ताजुब होगा कि इंस्पेक्शन में जो लोग जाते हैं उनका रेमुनरेशन एनसीटी का सबसे कम है, अब आप समझिए, ठीक है बात, पैसा माने नहीं रखता, मनी तो माने नहीं रखता, लेकिन एक बात ये जरूर बताता है कि मेडिकल साइंस इंजीनियरिंग के मुकाबले टीचर एजुकेशन की क्या अहमियत है मिनिस्ट्री के सामने, आप जरा चीज देख लीजिए, पूछ लीजिए लोगों से जो मेडिकल उसमें जाते हैं एमसीआई में, उनका रेमुनरेशन क्या है,
इंजीनियरिंग में जाते हैं उनका क्या है और हमारा टीचर एजुकेशन का क्या, और 20 साल हो जाते हैं उसमें कोई इंप्रूवमेंट नहीं, कुछ नहीं होता। और फिर वही है ना कि बस दो दिन पहले आदमी जाएगा, एक दिन इंस्पेक्शन करेगा, दो दिन बाद वो आएगा अपने घर लौटेगा, 5 दिन उसके लगेंगे और एक दिन का पेमेंट वो लेके आ जाएगा 2000। ये है तो बिल्कुल, इससे उम्मीद करना कि अब क्या चाह रही है। देखिए प्रैक्टिकल होना चाहिए आदमी, आइडियली सब ठीक है, टीचर को तो त्यागी होना चाहिए, ये सही है, ये सब सही है, मैं सबको मानता हूँ, लेकिन कुछ बातें प्रैक्टिकल हैं। आप क्या करोगे, आपने ऐसी जगह भेज दिया आदमी को, दो दिन उसे जाने में लगे, दो दिन उसे आने में लगे, उसका आपके यहाँ कुछ नहीं है, तो थोड़ा इन चीजों पर कुछ ऐसा करें। देखिए सच बात यह है, कुछ ऐसी चीजें करें कि इंस्टीट्यूशन लेवल पे भी करप्शन को बढ़ावा ना मिले, वो भी टेम्पटेशन न दे, प्लस इधर से भी ना ऐसा हो, ये करना पड़ेगा। देखिए उसी से होता है सब प्रॉब्लम, वही होती जो इंस्पेक्शन करने आदमी जाता है उसको जब ये होप नहीं होती कि भाई उधर से पता नहीं साल लगेगा, 2 साल लगेगा, तो वो सब इधर उधर करता, ऐसा ठीक नहीं है, इस चीज को सिस्टम को सही करना चाहिए और टीचर एजुकेटर को टीचर एजुकेटर ही समझना चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं समझना। थैंक यू सर, आपने बहुत ही अच्छी और बेहतरीन जानकारी दी और आज हुई कि पूरे हम इसको वापस कि एनसीटी के पहले अध्यापक शिक्षा कैसी थी और अभी कैसी है। प्रोफेसर एसपी सिंह साहब जुड़ गए, हम चाहेंगे कि एसपी सिंह साहब भी हमें गाइड करेंगे कि कंक्लूडिंग रिमार्क के रूप में कि एनसीटी का जो वर्तमान स्वरूप है उसमें किस प्रकार के परिवर्तन अपेक्षित हैं ताकि वो अपने बेहतरीन परिणाम दे सके। प्रोफेसर एसपी सिंह साहब, सर मेरी आवाज आप तक, एसबी सिंह साहब, हाँ मैं हमारे फेडरेशन के फाउंडर प्रेसिडेंट यशवंत भाई जी को आमंत्रित करूंगा कि हमारे जो एक अच्छी बहुत बेहतरीन डिस्कशन हुई। हाँ डीपी सिंह के, अब आप सुषमा पांडे जी सभी का धन्यवाद करने के लिए यशवंत जी। नमस्कार, गुड आफ्टरनून आपका, नमस्कार गुड आफ्टरनून सभी पैनलिस्ट और हमारे जो भी लिसनर्स हैं, सभी लिसनर्स को भी प्यार भरा नमस्कार। और आज जो चर्चा हुई टीचर एजुकेशन एंड प्रिंसिपल एसोसिएशन की तरफ से और फेडरेशन ऑफ कम्युनिटी रेडियो स्टेशन की तरफ से जो भी आयोजन हुआ आज वेबिनार, बहुत ही अच्छी तरह से साबित हुआ और काफ़ी बातें इसमें डिस्कशन में निकल आई और वो डिस्कशन की जो बातें हैं हम लोग उसको राइटअप में लेके फिर उसको आगे प्रोसेस में करेंगे तो काफ़ी फायदा होगा। प्रोफेसर नवल अम्बेदन है, प्रोफेसर एस बी सिंह फॉर्मर प्रिंसिपल हैं, प्रोफेसर सी टी सी चौहान और सुषमा पांडे जी, इन्होंने भी बहुत अच्छी तरह से अपने व्यू प्रसारित किए और मैं समझता हूँ सभी को इसका फायदा होगा। और हमारे जो कोऑर्डिनेटर डीपी सिंह जी ने भी बहुत ही अच्छी तरह से इसको साबित किया कि ये होना चाहिए। और हमारी होस्ट है करमजीत सिंह से बहन को भी बहुत बहुत धन्यवाद और सभी को फेडरेशन की तरफ से थैंक यू। थैंक यू सर, सभी को धन्यवाद, हमारा नमस्कार।